मीटिंग इज लॉन्च्ड एंड पीपल आर तो स्टार्ट ज्वाइनिंग। करें। मयंक सर दो तीन मिनट रुक जाएं, लोग ज्वाइन आवाज कर आ रही जाएंगे। है थोड़ी सी, हाँ पार्टिसिपेंट ऐड हो जाए थोड़े से। हाँ जी ओके। हेलो, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल नाउ सर? यस यस ओके, नाउ यू ऑल आर ऑडिबल टू मी, थैंक यस। गॉड। कितने पार्टिसिपेंट ज्वाइन हुए? अभी तो यार ज्वाइन कर रहे हैं, लेट अस वेट। सी सी मॉर्निंग इस टाइम मौसम की लगातार कोई वैसे चेंजेस देखो प्रॉपर्टी देखने गए थे समझ में आई है, लेकिन नहीं स्टार्ट होने वाली सेमिनार बाउंस कर रही है। लिंक चेंज होने के चलते अब ज्वाइन हो रहे हैं। सर व्हाट आई सजेस्ट दैट चलो इज स्टार्ट। एंड सर कैन वी स्टार्ट? जी गुड इवनिंग एवरीवन ओवर हियर, कमेटी मेंबर ऑफ गौतम बुद्ध नगर ब्रांच ऑफ सीआईआरसी ऑफ आईसीआई, सी अतुल अग्रवाल जी वाइस चेयरमैन ऑफ सीआईआरसी ऑफ आईसीआई, टुडे गेस्ट स्पीकर सीए दीपिका अग्रवाल जी एंड ऑल द पार्टिसिपेंट, आईसीए मयंक गर्ग सेक्रेटरी गौतम बुद्ध नगर ब्रांच वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडे वीसीएम टॉपिक एक्सपीरियंस ऑन एक्सेल organized by Gautam Buddha Nagar branch of CIRC of ICAI. Before starting the VCM, I invite CA Chaman Singh, Chairman Gautam Buddha Nagar branch for addressing. थैंक यू CA Chaman Singh ji. थैंक यू मैम जी। सबसे पहले मैं अपने गेस्ट स्पीकर का स्वागत करता हूँ, उन्होंने अपना टाइम निकाला है हमें एड्रेस करने के लिए, और उसके बाद हमारे अतुल सर हैं, अतुल जी हमारे ब्रांच के मेंबर भी हैं और वाइस चेयरमैन है CIRC के, जो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं, कभी भी हमें कोई समस्या होती है वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। और हमारे कमेटी मेंबर जिसमें गिरीश जी का अहम रोल है, वो एक टेक्निकली सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। साथियों जनरली होता ये है कि एक्सेल में हम सब काम करते हैं, एक्सेल वर्ड जो हमारे सीए का काम है जनरली इसी के ऊपर डिपेंड करता है, पर हम एक्सपर्टाइज इसमें हमारी नहीं होती है, जिस वजह से हम कई मामलों में पीछे रह जाते हैं। तो ये जो हमने एक टॉपिक सजेस्ट करा है जिसमें दिलीप जी ने सपोर्ट करा था कि इसको हमें करना चाहिए सब मेंबर के बेनिफिट के लिए, तो इसमें मुझे लगता है मेंबर्स को काफ़ी फायदा होगा, काफ़ी उनकी नॉलेज अपडेट होगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं मैंग जी से उनको हैंड ओवर करता हूँ। म्यूट हो मैंग जी, मैंग जी आप म्यूट हो। सॉरी, थैंक यू चमन जी। नाउ आई इनवाइट सी अतुल अग्रवाल जी, वाइस चेयरमैन सीआईआरसी ऑफ आईसीआई, प्लीज एड्रेसिंग अस।
थैंक यू मयंक जी, सेक्रेटरी गौतम बुद्ध नगर ब्रांच, रेस्पेक्टेड चेयरमैन सी चमन सिंह जी, पास्ट चेयरमैन सी गिरीश नारंग जी, ट्रेजरर एंड वाइस चेयरमैन सी दिलीप कुमार जी, स्पीकर ऑफ द डे टुडे सेशन सी दीपिका अग्रवाल जी, मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स सी दिनेश चांडक जी एंड सी शिखा सिंगल जी, एंड द अटेंडीज प्रेजेंट हियर इन द टुडेज वीसीएम. It is really a very important topic has been taken by the branch today, especially on the Excel. As we all know, while we go for an audit, either we go for an audit of a bank or we go for an audit of a client, if the data is voluminous, then if we know the Excel, if we know all the utilities of Excel, then in that case, we would be in a better position to do the data mining in a very short period of time. स्पेशली लाइक हम लोग जब भी बैंक ऑडिट की सेमिनार होती है तो उसमें भी एक एक्सेल का वर्कशॉप रखा जाता है और उसका पर्पज यही होता है कि हम बैंक से क्लाइंट के स्टॉक क्लाइंट के स्टेटमेंट को किस तरीके से एक्सेल में इंपोर्ट करें और इंपोर्ट में एक्सेल में इंपोर्ट करने के बाद किस तरीके से हम एक्सेल की यूटिलिटीज को यूज करके डाटा माइनिंग कर सकते हैं विच ऑलवेज हेल्प्स यू इन फाइनलाइजेशन ऑफ योर रिपोर्ट्स एंड विच ऑलवेज हेल्प्स यू इन गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स. So today we have a very wonderful speaker, CA Deepika Agarwal, who is having very good exposure on Excel. There was one session of Deepika Agarwal, which I attended on 23rd of June, which was organized by CIRC, and that was for Women on Wednesday series. So it was really a very wonderful session, and the demand from the members who attended that session is that there should be a regular workshop kind of in Excel so that we would be in a better position to understand the utilities of Excel and we would be in a better position to do the audit in such a way so that what all things we are leaving or you can say hum log jo cheeze ignore kar rahe hain ya jinko negligently hum chhod de rahe hain kam se kam agar hum Excel ki utility par kaam karna shuru karenge to main samajhta hu jo hamari टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, कई बार हम देखते हैं कैश नेगेटिव बुक्स में होता है उसके बावजूद हम रिपोर्ट नहीं करते, बहुत सारी कैश ट्रांजेक्शन होती हैं हम रिपोर्ट नहीं करते, कई बार ट्रांजेक्शन हमारे सामने नहीं आ पाती है क्योंकि डाटा इतना वॉल्यूमिनस होता है जिसमें हमको कई बार तकलीफ होती है. तो अगर हम एक्सेल की यूटिलिटीज को यूटिलाइज करें डाटा माइनिंग के लिए तो आई एम श्योर वी वुड बी इन ए बेटर पोजिशन टू परफॉर्म एंड वी वुड बी इन ए बेटर पोजिशन टू गिव द डिजायर्ड रिजल्ट विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. So friends, what I believe after this session, you all will also feel like we should have more and more sessions. So I request the branch also to organize a kind of workshop. That workshop maybe for 4 days workshop or 5 days workshop, and every day maybe for 2 to 3 hours time. So in that case, we all would be in a better position to understand the working and functioning of Excel. And if we start working on that, though I'm sure we would be in a better position to complete the assignment well within the time and in an effective manner. So without taking much of the time, I am really thankful to Gautam Buddha Nagar branch who have invited me for this particular VCM. And I am thankful to Deepika ji also who has given consent for the program. And I request Deepika ji, like if Gautam Buddha Nagar branch is planning any workshop kind of thing, then I request Deepika ji to kindly take up the sessions into that workshop also so that we all will get benefited out of it. So without taking much of the time, I am handing over the charge to Mayank Garji, secretary of the branch, for further proceedings of the session. Over to Mayank Garji. Thank you Atul sir. Before starting the seminar, a brief profile of Deepika ji. Deepika Agarwal ji, a practicing chartered accountant with an experience of more than 10 years. She is 9th rank holder in Enter and 23rd rank holder in CS final. She has been working on multiple assignments where there has been extensive uses of MS Excel, such automation assignment with corporates, ERP implementation, bank audit. She has trained corporate professional through various workshop and training on Excel. In addition to this, she has following qualification: FCA, DISA, BCom, certified FFFD course, CCA, IDT. Now I invite CA Deepika Agarwal ji to take the charge. First of all, thank you Mayank ji for giving such a nice introduction of mine. Thank you Atul sir for giving me this opportunity, and thank you Dilip sir for giving me opportunity to come on this dais and to share my experience with everyone. So audience, like for everyone, Excel,
व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सेल? जब हम बात करते हैं कि हम एक्सेल के बारे में क्या जानते हैं या एक्सेल क्या है, जो पहली चीज हमारे दिमाग में आती है वो ये आती है कि एज अ सीए वी आर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, या हम इवन इफ एमएनसीज में भी हम जॉब कर रहे हैं, वी सी आर काउंटर पार्ट्स जो प्रोफेशनल्स हैं एंड दे वर्क ऑन द कंप्यूटर लाइक बिल्कुल खटाखट, कि वो माउस का यूज ही नहीं कर रहे हैं और एक्सेल पे खटाखट काम करते हैं, द थिंग्स गेट सॉल्व्ड। शायद वही रिपोर्ट बनाने में आई वुड हैव बीन टेकिंग एक दिन या दो दिन, बट वही रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ एक्सेल कोई भी आराम से एक घंटे में या दो घंटे में बना के दे सकता है, एंड विद मल्टीपल चेंजेस अलाउड। ऐसा नहीं है कि आपने जो एक रिपोर्ट बनाई उसमें आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। जैसे अतुल सर ने बताया, बैंक ऑडिट की बात करते हैं हम, बैंक ऑडिट में एज इन यू मस्ट बी अवेयर हमारे पास एक बहुत टाइम कंस्ट्रेंट होता है कि हमें तीन दिन में या चार दिन में अपनी एक ब्रांच को फिनिश करना है। अगर हम पहले दिन वहां जाते हैं और उनसे उनके आउटस्टैंडिंग लोन्स की जो डिटेल मांगते हैं, अगर हम उस रिपोर्ट को प्रॉपरली मैनेज कर ले, डेटा एनालिसिस के लायक बना दे, तो शायद जो आपका जॉब तीन दिन का था वो आप एक दिन में कर पाओगे, और विद इन टू आवर्स आपकी सैंपल लिस्ट रेडी होती है कि ये वो लोन अकाउंट्स है जो मुझे उठाने हैं और जिनकी मुझे फाइलें मंगवानी है। आपको सीधा सीधा रेड फ्लैग्स नजर आ जाते हैं कि यही वो लोन अकाउंट है जहां पे गड़बड़ होने के इश्यूज है। तो क्यों हम अपना वो टाइम वेस्ट करें और ऐसे लोन अकाउंट्स की फाइल्स को मंगवाएं जहां पे कोई फ्लैग ही नहीं है, जो बिल्कुल प्रॉपर है और कुछ इशू नजर ही नहीं आता, राइट? सिमिलरली आजकल आप लोगों ने देखा होगा ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज समथिंग वेरी न्यू इन द मार्केट, और जो अभी रिसेंटली कंपनीज एक्ट ने जो अपनी एक रिक्वायरमेंट लगाई थी जो एक साल के लिए पोस्टपोन्ड हो गई है, दैट एवरी कंपनी needs to have their own ERP implemented with the locks, ki back date mein ja ke aap wahan pe lock nahi kar paoge ya jo bhi unko audit trail chahiye. So ERP implementation, and ye abhi market ki need hone bhi wali hai ki jitne bhi aapke purane softwares hain unse data aapko transfer kara ke new ERP mein implement karana hai, right? Similarly aap internal audits karte ho kabhi bhi kisi bhi ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपको जो डेटा डंप मिलता है उनके सॉफ्टवेयर से, जरूरी नहीं है कि वो डेटा डंप इतना प्रॉपर हो कि जिसपे आप सारे एनालिसिस कर सको, आपको उस डेटा डंप को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो अगर मैं एक नटशेल में एक छोटी सी बात बोलूं, तो व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सेल? फर्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आपको उस पर्टिकुलर डेटा को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, एनालिसिस के लायक बनाना है हमें डेटा, एंड दैट इन्वॉल्व्स हार्डली 20 to 25 minutes, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद योर एनालिसिस इज लाइक यू कैन डू एनी काइंड ऑफ एनालिसिस, एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट्स अवेलेबल टू यू, एवरीथिंग इज एट योर डोर स्टेप, देन आपको कहीं नहीं जाना। तो जो हम आज का सेशन करेंगे, बेसिकली पहला टारगेट मेरा, आई बिलीव यू पीपल मस्ट हैव गॉट सम एक्सेल फाइल विद यू, बहुत अच्छा होगा अगर आप साथ की साथ वो एक्सेल फाइल अपनी खोल के बैठेंगे मेरे साथ, जो जो मैं बताऊंगी और जो जो मैं आपके साथ करूंगी आप साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी मजा आएगा। इसको थ्योरेटिकल क्लास नहीं बनाएंगे, इसको हम एक प्रैक्टिकल क्लास की अप्रोच से चलेंगे। शुरू में हम कुछ चीजों से खेलेंगे। मैं एक्सेल में जब भी बात करती हूँ, एक्सेल इज नॉट अबाउट समथिंग वेरी सीरियस और हमें बिल्कुल ऐसे फोकस करके बस ऐसे लग जाना है, इट्स अबाउट प्लेइंग, आपको सिर्फ खेलना है एक्सेल के साथ, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद इट। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन एंड आई एम शेयरिंग द एक्सेल फाइल विच हैज ऑलरेडी बीन मेड अवेलेबल टू यू ऑल पीपल। आई बिलीव ये वाली शीट आप सबके पास है, राइट? ओके, सो अभी मेरे को एक सिंपल सा हम एक्टिविटी करेंगे। मुझे ये आपको करके बताना है कि इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट में कितनी रोज है और कितनी कॉलम्स है। सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है जो आपको करके दिखाना, और ऐसा ना हो कि ये तो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि विंडोज एमएस ऑफिस 97 में कितनी रोज कॉलम्स हैं या 2016 में कितनी है। हम इस एक्टिविटी को करेंगे, एक्टिविटी को करते करते हम आराम से 7-8 शॉर्टकट कीज पे अपने हाथ को आजमा लेंगे, एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट, और वो एक्टिविटी भी हमारी पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले चीज, जब मुझे ये वाली एक्टिविटी करनी है तो व्हाट आई वांट, मुझे इस शीट पे काम नहीं करना क्योंकि ये तो मेरी मेन डेटा शीट है, मुझे एक नई शीट चाहिए इसी वर्कशीट में और मुझे उस पर काम करना है, तो मुझे एक नई वर्कशीट इसमें इंसर्ट करनी है। बहुत सिंपल शॉर्टकट है, जैसे ही आप ऑल्ट दबाते हैं ना अपने सिस्टम में, आप मेरे साथ अगर ऑल्ट दबाएंगे तो आपने ऑल्ट दबाते ही आपने देखा होगा ये ऊपर आपका ये सारे टैब्स हाईलाइट हो जाते हैं।
हमारा टारगेट ही यही है कि हमें माउस यूज नहीं करना, तो ये आपको आना चाहिए. सो वंस यू प्रेस ऑल्ट, ऑल्ट के बाद मैंने एफ प्रेस किया तो मेरा फाइल मेन्यू खुल जाता है. अब मेरे को एच प्रेस करूंगी तो मेरा होम मेन्यू ओपन हो जाता है. सो वंस आई ओपन होम मेन्यू, यहाँ पे इंसर्ट होता है और इंसर्ट में शीट इंसर्ट करने का ऑप्शन होता है. तो सिंपल शॉर्टकट अगर आपको शीट इंसर्ट करनी है, इट इज ऑल्ट एच आई एस. आप इसको जैसे जैसे अपनी डेली लाइफ में डालोगे, आप इसको यूज करना शुरू कर दोगे. आप फिर कभी माउस की तरफ हाथ नहीं लगाओगे कि आपको शीट इंसर्ट करनी है. सो मैंने ऑल्ट एच प्रेस किया हुआ है, सो आई एम प्रेसिंग आई एंड देन एस. माई शीट इज इंसर्टेड. शीट वन से पहले एक शीट थ्री आ गई है. जो मेरा क्वेश्चन इसमें बनता है, जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो दिलीप सर, आई एम गेटिंग अ मैसेज ऑन द चैट दैट द एक्सेल फाइल इज नॉट शेयर्ड विद द पीपल. दिलीप सर, एनीबडी देयर टू रिस्पॉन्ड टू माई क्वेरी? मयंक जी, यस, ये सर एक्सेल फाइल शेयर नहीं की थी? एक्सेल फाइल्स हैव बीन शेयर्ड. So some people are texting in the chat box that Excel not received. Yes. Mail तो किया हुआ, email पर है सारी चीजें. Just one मैं confirm कर रहा हूँ, एक just. दिलीप जी, मेरे पास में कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि जो हमने सेमिनार का दूसरा लिंक भेजा है वो कई लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, मेल नहीं पहुंची है. जरा एक बार इससे जो भी सब मेल नहीं पहुंची है, सबको मेल पहुंची है. अभी मेरे पास ग्रुप में भी है, ठीक है, अभी मैं करा रहा हूँ. एक्सेल नोट एक बार, हाँ एक बार, ठीक है. आप सर इतने कराइए, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. उसके लिए वो वाली फाइल नहीं चाहिए, प्लेन फाइल चाहिए. ठीक है, आप करिए, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. इट्स ओके, आपको एक्सेल फाइल अभी अवेलेबल करा रहे. टिल दैट टाइम आप एक ब्लैंक एक्सेल शीट खोल लीजिए अपने में. आप अगर ब्लैंक एक्सेल शीट खोलेंगे तो अगर आपका एमएस ऑफिस 16 है वो आपको एक शीट देगा, और अगर आपका एमएस ऑफिस उससे पुराना है, 97 है, 2000 है, तो वो आपको तीन वर्कशीट देगा, राइट? तो अभी जो हमने एक शॉर्टकट किया, आप चाहे तो अपनी डायरी पे कहीं पे भी नोट कर सकते हैं, और कल से हमें यूज करना है, वी हैव टू मेक श्योर. तो पहला शॉर्टकट जो बताया मैंने, ऑल्ट एच आई एस, सो यू हैव इंसर्टेड वन शीट. नाउ एक चीज जो एक रूल है जो आई वुड लाइक टू टेल यू, एक्सेल का एक जनरल रूल है जो एक्सेल फॉलो करता है. आप कुछ भी इंसर्ट करोगे, बी इट अ शीट, बी इट अ रो और बी इट अ कॉलम, वो हमेशा जहां आप खड़े होगे उससे एक पहले इंसर्ट करेगा. सो इफ यू आर सीइंग, मैंने शीट वन पे खड़ी थी और मैंने जब एक शीट इंसर्ट किया, सो इट केम बिफोर शीट वन. सो दीज आर स्मॉल जनरल नॉलेज एरिया अबाउट एक्सेल विच यू शुड बी अवेयर कि इससे पहले आएगा. इसी तरह मैं आपको उसका और बता देती हूँ. अगर मुझे रो इंसर्ट करनी है, मुझे यहाँ 11th रो से पहले एक और रो डालनी है, तो एक और शॉर्टकट जो मैं यहाँ बता रही हूँ रो डालने के लिए, सबसे पहले मुझे रो सिलेक्ट करने का शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस स्पेस. Another shortcut for you, jot it down, shift plus space. So once I press shift plus space, आपकी पूरी row select हो गई, और उसके बाद control plus डालते ही मेरी एक और row add हो गई. और यहाँ पे again वही general rule that the addition will be made before where I am standing, right? Similarly, ये row का मैंने आपको shortcut बताया. इसी तरीके से अब मुझे कॉलम सिलेक्ट करना है, तो कॉलम सिलेक्ट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस स्पेस, और ये वो वाला कॉलम सिलेक्ट करेगा जिस कॉलम में आप खड़े हो. तो जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस स्पेस दबाया, आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया, एंड देन प्रेस कंट्रोल के साथ प्लस का की, यू आर एबल टू इंसर्ट योर कॉलम. अगेन द सेम रूल, कॉलम यहां कहां इंसर्ट हुआ, आप जहां खड़े थे उससे एक पहले. ओके, जनरल रूल यू हैव टू फॉलो, राइट? आई बिलीव तीन शॉर्टकट्स हो गए, प्लस एक कंट्रोल प्लस की कमांड हो गई. इसके साथ ही एक और शॉर्टकट, ये आप सबको पता होगा, आई डोंट थिंक सो आई नीड टू टेल यू, दैट इज कंट्रोल जेड. इफ आई डू कंट्रोल जेड तो वो अंडू कर देता है मेरा लास्ट एक्शन, और मैंने अंडू कर दिया क्योंकि इसी डेटा फाइल पे मुझे काम करना है. ओके, डन. अब उसके बाद अब मुझे जाना शीट थ्री पे वापस, पर मेरे पास माउस तो है ही नहीं, मैं तो अपने सिस्टम में माउस लगाना ही भूल गई. तो अगर मुझे शीट वन से शीट थ्री पे जाना है, मतलब एक स्टेप मुझे ऊपर जाना है क्योंकि यहाँ शीट थ्री शीट वन के लेफ्ट पे है, सो योर शॉर्टकट वुड बी कंट्रोल पेज अप. सो आई प्रेस कंट्रोल पेज अप, आई एम गोइंग ऑन शीट थ्री. इसी का रिवर्स कर लेते हैं, कंट्रोल पेज डाउन, आई एम गोइंग ऑन शीट वन. तो जब भी आपको शीट्स में घूमना हो अपने इस पूरे डेटा शीट के अंदर, तो यू विल नॉट यूज योर माउस, यू विल जस्ट यूज कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन.
राइट, स्किप करके कैसे हमें शीट्स में जाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी इसी सेशन में बताऊंगी, करेंगे हम वो भी करेंगे कि हमें स्किप करके किसी शीट पे जाना है। नाउ मैं वापस अपनी शीट पे आ गई और हम वापस अपनी एक्टिविटी पे आते हैं कि हमें करना क्या है, हमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करने हैं कि इसमें कितने हैं। आई बिलीव नंबर ऑफ रोज तो आप सबके लिए बहुत ईजी होगा, यहाँ आ रहा है 1, राइट। अब मैं इसको नीचे लेती जाऊंगी तो ऑब्वियसली कहीं तो खत्म होगा और वो मुझे लास्ट रो बता देगा, बट आई थिंक अगर मैं ये करूंगी तो मेरा पूरा सेशन ही इसमें खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल में जो रोज होती है वो 1,000,000 से ऊपर होती है और एक एक करके नीचे जाऊंगी, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस। सो द नेक्स्ट शॉर्टकट जो आप लोगों को अपनी कॉपी में जॉट डाउन करना है, दैट इज आपको खेलना किसके साथ है, एक कंट्रोल का की है और एक आपके एरो कीज है। सो इफ आई प्रेस कंट्रोल एंड एरो की अप तो मैं सीधा A1 पे आ गई जहां मेरा इनिशियल पॉइंट था। कंट्रोल का एक बेसिक फंक्शन होता है जो आप लोग समझो, कंट्रोल क्या करता है, जब भी आप एरो कीज के साथ उसे प्रेस करते हो वो आपको जंप कराता है, जहां पे भी उसे नेक्स्ट डेटा का एंड मिलता है वो जंप करता है। जब मैं डेटा का एंड बोलती हूँ मतलब मेरा पूरा डेटा सेट, डेटा सेट में भी अभी आपको दिखाऊंगी, शीट 1 में हमारे पास डेटा सेट है वहां कैसे जंप होता है, अभी हम यहां करते हैं। तो यहां जब मैंने कंट्रोल डाउन एरो की दबाया मैं सीधा एंड पे चली गई, क्योंकि इस शीट पे कोई डेटा नहीं है तो उसे जंप करने के लिए कुछ मिला नहीं। तो यहां आपको इजिली विजिबल होगा व्हाट आर द नंबर ऑफ रोज, इट्स 10,48,576 नंबर ऑफ रोज दैट वी हैव इन एक्सेल। तो मतलब अगर इतना डेटा आएगा, इतने इनपुट्स हैं, तो मैं इजिली एनालिसिस कर सकती हूँ। यहाँ पे वापस हम कंट्रोल अप करते हैं, वापस A1 सेल पे आ गई। बट अगर मैं यही कंट्रोल राइट एरो की प्रेस कर रही हूँ, राइट, सो सी हम नहीं कर पा रहे XFD से मैं क्या अपने कॉलम्स को काउंट कर लूं, आई कांट डू दैट, राइट। सो व्हाट आई विल डू, अगेन आई प्रेस कंट्रोल लेफ्ट एरो की, हम एक एक्टिविटी करेंगे। मैंने यहाँ लिखा 1, आपको ये तो पता है यहाँ नीचे जो होता है मेरे पास सारे वो आते हैं, काउंट एवरेज समेशन ये सब लिखा हुआ आता है। अगर मैं यहाँ 1 लिखूं और सारे सेल्स में 1 लिख दूं, राइट, ऐसे अगर मैं ऐसे 1 लिख दूं और फिर मैं इन सबका सम कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स मिल जाएंगे। अभी आप नीचे देख रहे होंगे, नीचे आ रहा है काउंट 8 सम 8, तो मतलब 8 कॉलम्स हैं यहाँ पे। एक्सेल उन्हीं कॉलम्स का काउंट देता है जिसमें कुछ डेटा होता है, अदरवाइज वो उसका काउंट नहीं देता। तो अगर मुझे डेटा इंसर्ट करके काउंट लेना है तो अभी मेरे लिए ये भी टफ है कि मैं हर सेल पे जाके 1-1 लिखूं, राइट। सो वी विल गो अहेड विद द शॉर्टकट्स जब हमें यहाँ स्मार्टली प्ले करना है। तो मैं वापस कंट्रोल लेफ्ट एरो से A1 पे आई, मैंने 1 लिखा, अब मैं वापस यहाँ गई। अब मैंने प्रेस क्या करना है, अभी हम खेल रहे थे सिर्फ कंट्रोल और एरो कीज, अब मुझे सिलेक्शन करना है। तो जैसे ही सिलेक्शन की बात आती है यू हैव टू यूज शिफ्ट की एज वेल, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड राइट एरो की, ये कमांड क्या करेगी, अब कंट्रोल आपको जंप कराता है, मैंने शिफ्ट साथ में प्रेस कर दिया तो जो नेक्स्ट लेवल है जहां पे भी नेक्स्ट डेटा सेट एंड होता है वो वहां तक का सिलेक्शन देगी। एंड सिंस माय दिस शीट डज नॉट हैव एन एंड, वो बिल्कुल लास्ट तक उसको सिलेक्ट करके चली गई है। अब मुझे ये 1 सारे सेल्स में चाहिए तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर ये कमांड है, ये क्या करती है, आपके जो लेफ्ट मोस्ट सेल में जो भी आपने लिखा हुआ है जो भी, उसको कॉपी करती है आपकी राइट साइड में जितना आपने सिलेक्शन किया है। तो मैंने यहाँ पूरा सिलेक्शन किया था तो पूरे पे उसने 1-1-1 लिख दिया, अगर मैं यहाँ तक सिलेक्ट करती ओ कॉलम तक तो ओ कॉलम तक 1-1 लिखता। अब साथ के साथ नीचे देखो आपका समेशन आ गया 16,384 काउंट भी 384, सो कैन इजीली एनालाइज दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन योर पर्टिकुलर शीट। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी व्हाई दिस कमांड इज इम्पॉर्टेंट। जब भी आप डेटा एनालिसिस करते हो या किसी भी ERP सिस्टम से आप डेटा डंप निकालते हो तो डेटा डंप निकालने के लिए, उस पर वर्क करने के लिए हमें बहुत सारे फॉर्मूलेस को लगाना पड़ता है, जहां पे बहुत सारे इनपुट होते हैं कि आपको कॉलम नंबर बताना है कि क्या कॉलम नंबर है जिसका आपको इनपुट डालना है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपके टोटल डेटा सेट में कॉलम कितने हैं, इट्स नॉट जरूरी मैंडेटरी कि आपको 10 ही कॉलम में डेटा आएगा, बहुत सारे होते हैं जो 100-150 कॉलम तक डेटा जाता है बैंक्स का तो खासकर, तो आप कैसे उसको काउंट करोगे, हमें उसको काउंट करने में अपना टाइम नहीं लगाना। तो यू यूज दीज काइंड ऑफ शॉर्टकट्स जिससे आप ये निकाल पाते हो कि कितने कॉलम्स हैं आपके डेटा में। इसी का एक और सिंपल मैं यूज दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ 1 लिखा
और मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया एंड आई एम डूइंग कंट्रोल आर सी आई एम गेटिंग द डेटा टिल द प्लेस वेयर आई वॉन्ट राइट हियरिंग माई पॉइंट ओके तो हमने यहाँ काउंट कर लिया वी कंप्लीटेड आर एक्टिविटी और वाइल डूइंग आर एक्टिविटी हमने पांच छह शॉर्टकट्स भी कर लिए हमने कंट्रोल आर ओ कीज के साथ खेल लिया कंट्रोल आर कर लिया कंट्रोल पेज अप कंट्रोल पेज डाउन नाउ आई एम गोइंग बैक टू माई शीट ये मेरा एक डेटा सेट है राइट अब अगर आप इस डेटा सेट में देखोगे मैंने एक बहुत सिंपल हमारे ऑफिस के हिसाब से डेटा सेट बनाया है कि हम अपने ऑफिस में ही काम कर रहे हैं मेरे पास ये 7-8 एम्प्लॉयज हैं हर एम्प्लॉय का अपना एक एरिया ऑफ वर्क है कोई GST करता है कोई ITR करता है कोई कंसल्टेंसी करता है और किस डेट पे किसने क्या काम किया और उसने क्या चार्जेस लिए अ वेरी सिंपल डेटा सेट बट ये डेटा सेट मेरा 2 साल का डेटा सेट है तो अगर 2 साल का डेटा सेट है अगर मैं वैसे बात करूँ तो आई थिंक मेरे पास 700-750 एंट्रीज पर डे के हिसाब से होनी चाहिए बट सिंस मल्टीपल पीपल आर वर्किंग सो माई डेटा सेट इज बिट लार्जर अब मुझे इस डेटा सेट पे काम करना है मैं यहाँ एरो कीज से काम नहीं करूंगी ना मैं स्क्रॉल करूंगी अपने माउस को लेकर मैं यहाँ कंट्रोल से खेलूंगी तो जो मैंने आपको कंट्रोल की बताया जंप कर दिया अब जब मैं यहाँ जंप करूंगी कंट्रोल के साथ सिर्फ मैं डाउन एरो की प्रेस कर रही हूँ इट इज टेकिंग मी टू व्हाट द एंड ऑफ माय डेटा सेट विदाउट स्क्रॉलिंग विदाउट यूजिंग डाउनवर्ड एरो कीज मल्टीपल टाइम्स आई हैव जस्ट रीच्ड टू द एंड ऑफ माय डेटा सेट सो नाउ आई नो There are 1500 entries into my data, right? यहाँ मेरे 4 ही कॉलम है तो शायद आपको होम पे जाने में इश्यू नहीं होगा बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ जब आप किसी डेटा सेट के एंड पे हो या बीच में हो अब आपको जाना है सीधा A1 से दैट इज द बिगनिंग ऑफ योर डेटा यू जस्ट नीड टू प्रेस अनदर शॉर्टकट फॉर यू कंट्रोल एंड होम तो आप जैसे ही कंट्रोल होम प्रेस करोगे यू विल रीच योर वॉट A1 cell and similarly अगर मैं यहाँ control function end दबाऊंगी तो सीधा मैं end of the data आ जाऊंगी now this should be a question in your mind that why my cell came here it should have came here वो इसलिए आया क्योंकि जब मैंने ये sheet आपको भेजी उससे पहले मैं यहाँ कुछ काम कर रही थी इन particular columns में तो इन columns में मैंने कुछ data बनाया फिर हटाया फिर delete किया तो उसके लिए data इस column में जाके end हो रहा है and it is taking me to this particular place right Another shortcut done. I think we are good to go ahead. अब अगर मैं वापस यहां ऊपर जा रही हूं ओके अब मुझे क्या करना है सिलेक्शन करना है जैसे अभी हमने कंट्रोल डाउन एरो कीज के साथ किया ये हमें ऑफिस में बहुत बारी होता है कि हमें पूरा एक कॉलम कॉपी करना है और उसको पेस्ट करना है तो यहाँ पे वही है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सीधा मैंने नीचे तक का डेटा सिलेक्ट कर लिया जनरली मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ऐसे करके यू अपना लेके जाते हैं फिर स्क्रॉल करते रहते हैं और फिर वो अपना डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं ये हमें कभी नहीं करना अगर मैं यहाँ नीचे से भी खड़ी हूँ तो मैं यहाँ से भी डेटा सिलेक्ट कर सकती हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड अपवर्ड एरो की मेरा पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया अगर आप यहाँ नीचे देखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जहाँ हमें इस पर्टिकुलर बार में मेरे को लिख के आ गया सम कितना है 81,57,000 सम है टोटल रेवेन्यू फॉर लास्ट 2 years इज 81 लाख एंड दिस इज द काउंट 1501 बट आई सेड माय एंट्रीज आर 1500 बट व्हाई 1501 क्योंकि उसने ऊपर हेडर वाली रो को भी कनेक्ट कर दिया और ये मैंने आपको बताया अभी एक्सेल उस हर चीज का काउंट लेता है जहां कोई भी डेटा और जब मैं डेटा बोलती हूँ तो डेटा मीन्स एनी डेटा बी इट योर टेक्स्ट और बी इट नंबर चलो इसी के साथ जब हम टेक्स्ट और नंबर की बात कर रहे हैं तो एक मैं आपको एक और चीज बताती हूं एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल सेमी कॉलन आई बिलीव यू नो व्हाट इज सेमी कॉलन डॉट और उसके नीचे कॉमा दैट इज द सेमी कॉलन अगर आप कंट्रोल सेमी कॉलन प्रेस करते हो तो सीधा जो भी आपके सिस्टम में आज की डेट है आपके डेस्कटॉप पे जो आज की डेट आ रही है वो सीधा सिस्टम पे आ जाती है कंट्रोल सेमी कॉलम आपको डेट टाइप करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है सो यू कैन गेट इट कंट्रोल सेमी कॉलम और इसके लिए एक कमांड भी होती है अगर आपको पता हो टुडे ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज तो भी वो आपको आज की डेट देगी बट दिस इज फॉर्मुलाइज्ड स्पेसिफिक होता है मैंने फॉर्मूला लगाया मैं इसको मल्टीपल फॉर्मुलेज में यूज करूंगी तब मैं कंट्रोल सेमी कॉलम नहीं यूज करूंगी बट
जब मैंने कंट्रोल सेमी कॉलन डाला तो अगर आप ऊपर फॉर्मूला बार में यहाँ देख रहे हो तो सिर्फ डेट है, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है. सो इट इज अ स्टैटिक फिगर. अब एक्सेल में ना ये आपको बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, स्टैटिक और डायनामिक एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जब मैं स्टैटिक फिगर बोलती हूँ तो ये नंबर जो है, ये जो डेट है 6 जुलाई 2021, ये हमेशा ही 6 जुलाई 2021 रहेगी, चाहे आप शीट आज खोलो, चाहे परसों खोलो, चाहे एक साल बाद खोलो. बट ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है जहां मैंने फॉर्मूले से लिखा है, इस शीट को अगर आप कल खोलोगे ना तो ये 7 जुलाई की डेट देगा. आप एक महीने बाद खोलोगे तो वो एक महीने बाद की डेट देगा. टुडे का जो फॉर्मूला होता है बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ट्रैकर बताना है. जैसे हम जब बात करते हैं एज अ सीए, हमारे पास मल्टीपल डेडलाइंस होती है. GSTR 1 जाना है, 3B जाना है, इधर ITR भी फाइल होनी है, एडवांस टैक्स भी है, उधर मेरे पास TDS की डेट्स आ रही हैं, TCS की डेट्स आ रही हैं, मल्टीपल लॉज हैं, आपका इधर कंपनीज एक्ट भी आपको हिट करता है. तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रैकर बनाती है तो ट्रैकर में अगर हम टुडे की कमांड यूज करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी बट आज नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट सेशन में, कि हाउ वी कैन यूज दिस टुडे का कमांड ओनली एंड वी कैन मेक अ ट्रैकर जिसको आप रोज खोलोगे तो वो आपको रोज ना हाईलाइट करके बता सकता है कि आज ये रेड हो गया है. रेड हो गया है मतलब आपके पास 3 दिन बचे हैं, आपको ये काम कंप्लीट करना है. अगर वो ग्रीन है और आप कर चुके हो मतलब आपका वो काम फिनिश हो चुका है. एंड येलो आप अप्रोच, मतलब कलर्स इज योर थॉट प्रोसेस कि आपको क्या कलर्स रखने, बट विद दिस कमांड यू कैन डू दैट. दिस इज बहुत छोटी सी कमांड है, इसमें कुछ नहीं है बट इट कैन डू वंडर्स, राइट. अब जब हम डेट की बात कर रहे हैं, मैं इसकी डायनामिक कमांड हटा रही हूँ, अभी हम एक थोड़ा सा सिंपल कॉन्सेप्ट ही कर रहे हैं. कंट्रोल सेमी कॉलन से मेरे पास डेट आ गई. अब आपने कभी कभी देखा होगा, आपके साथ बहुत बारी हुआ होगा कि जब आपकी क्लाइंट से आपको डेटा आता है तो जो डेट कॉलम होता है उसमें डेट नहीं आती, नंबर आ रहे होते हैं. कभी हमने सोचने की कोशिश करी ये डेट नंबर में कैसे कन्वर्ट होगा? होता क्या है, एक्सेल के लिए डेट एक नंबर होता है. अगर मैं बोलूं व्हाट इज द वेरी फर्स्ट डेट फॉर एक्सेल, प्लीज डू रिमेम्बर दिस, ये आपको याद रखना है तभी आपको डेट्स और नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. एक्सेल सबसे पहली डेट जो समझता है वो है 1 जनवरी 1990. ये इसकी, सॉरी 1900 पहली डेट है जो इसको समझ में आती है, इससे पुरानी डेट्स इसको समझ में नहीं आती. अब मैं आपको समझाती हूँ वेरी फर्स्ट डेट कैसे है, राइट. अगर मैं यहां इसको जाके अब मैं कन्वर्ट कर रही हूं नंबर में, सी इट इज गिविंग मी नंबर व्हाट, 1. सिमिलरली मैं इस वाली डेट को जाके यहां मेरे ये जो होम टैब के अंदर जो मेरे पास ये मल्टीपल शॉर्टकट्स हैं, अगर मैं यहां इसको नंबर कन्वर्ट कर रही हूं, द नंबर इज 44,383. सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, 1 जनवरी 1900. मैं दोबारा वो डेट लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे, आप भी कहीं लिख सकते हैं अपने पास, 1 जनवरी 1900 द वेरी फर्स्ट डेट ऑफ एक्सेल. इसको ये एक नंबर मानता है, इसके अलावा जो डेट्स आती हैं उसकी एक एक नंबर बढ़ता जाता है. तो मतलब अगर 2 जनवरी 1900 है तो वो 2 है, उसके आगे तो वह 3 है. तो आज की डेट का नंबर क्या है, 44,383. बेस्ड ऑन दिस अब आप थोड़ा सा टेक्निकली सोचो, आपकी डेट्स जो है नंबर है. हमारे बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं स्पेसिफिकली इंटरेस्ट कैलकुलेशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ डेज, कि आपने कितना डिलेड आपका पेमेंट हो रहा है टैक्स का, कि आपका इंटरेस्ट किस पे लगेगा. तो उसमें आप अपनी डेडलाइंस लिखते हो, व्हाट वाज योर डेडलाइन एंड व्हाट इज द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट. दोनों डेट को एक दूसरे से माइनस करते हो तो वो आपको एक डिफरेंस देता है नंबर का. वो नंबर का डिफरेंस कैसे आया, क्योंकि उसके लिए पर डे इज अ डेट, राइट. सो आई कैन शो यू दैट डिफरेंस ऑल्सो कैसे आता है. मैं यहाँ पे इक्वल्स टू का फॉर्मूला लगा रही हूँ और मैंने इस डेट में से 10 अक्टूबर में से 17 अगस्त को माइनस कर दिया. सो इट इज गिविंग मी अ डिफरेंस ऑफ 54. तो दोनों डेट्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 54 डेज का. मैं सिर्फ डेट्स का ना पीछे का आपको बैकग्राउंड समझाना चाह रही हूँ, ताकि आगे से कभी भी आपके पास डेट्स आए किसी भी क्लाइंट की और वो नंबर्स में आए तो डोंट गेट पैनिक. सिर्फ आपको उस नंबर्स को सिलेक्ट करना है, होम टैब पे जाओ, उसको जाके डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो तो वो नंबर्स को डेट के फॉर्मेट में
कन्वर्ट कर देता है और आपके पास डेट आ जाएंगी। बट इसके लिए भी एक रूल है। होता क्या है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हमें बड़ी आदत है ऐसे कीबोर्ड्स पे काम करने की, न्यूमेरिक कीपैड्स पे, राइट। एंड मैं बात करूं, मेरे डैड की भी मैं बात करूं, तो माय डैड इज आल्सो लाइक ही वर्क्स ऑन द न्यूमेरिक कीपैड वाला आपका कीबोर्ड। वहां हमारे पास डॉट होती है, तो हम जनरली डेट्स कैसे लिखते हैं, ऐसे 01/01/2021। बट प्लीज पीपल डू माइंड दिस, डेट कभी भी डॉट के फॉर्मेट में नहीं होती है। तो हम जब भी एक्सेल यूज करते हैं, प्लीज डू मेक श्योर हम कभी डॉट्स नहीं लगाएंगे अपनी डेट्स के अंदर। अब ये एक तो पहली चीज, ये डेट नहीं है, ये मुझे कैसे पता चलेगा ये डेट नहीं है, इसको भी जानने का तरीका है। ये जो ई कॉलम है इसमें ये वाली डेट्स तो राइट अलाइंड है अपने आप, और ये जब मैंने लिखा ये राइट में क्यों नहीं गई, ये लेफ्ट में क्यों है। इन चीजों पे हमें सोचना शुरू करना पड़ेगा, तभी हम अपने डेटा को वर्केबल बना पाएंगे कि वो हम उसमें कोई भी काम कर सके। अगर मेरी डेट ही प्रॉपर नहीं है तो मैं उस डेटा पे कुछ काम नहीं कर सकती, मैं कोई एनालिसिस नहीं कर सकती। जब भी नंबर्स होते हैं, ये एक सिंपल रूल है हमारी मैथ्स कॉपी का या इंग्लिश कॉपी का रूल होता है, हम जब भी नंबर्स लिखते हैं नंबर्स हमेशा राइट साइड से लिखते हैं, राइट। और जब हम टेक्स्ट लिखते हैं, मेरा अपना नाम मैं लिखूंगी तो मैं कहां से लिखना शुरू करूंगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो टेक्स्ट हमेशा कहां से लिखा जाएगा, लेफ्ट टू राइट, बट नंबर्स लिखे जाएंगे बिल्कुल राइट अलाइनमेंट में। तो ये नंबर्स हैं, तो ये प्रॉपर डेट्स हैं और ये मेरी राइट अलाइंड है, बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर डेट और मैं इस पर कोई फॉर्मूला नहीं लगा पाऊंगी कोई भी। आपने बहुत बारी देखा होगा, आप दो डेट्स में डिफरेंस निकालते हो, फॉर्मूले में कुछ आता ही नहीं, ये आ गया आपको एरर आ गया, एंड यू आर नॉट एबल टू जज व्हाई दिस एरर केम। सिंपल लॉजिक, दिस इज नॉट अ डेट, दिस इज अ टेक्स्ट। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी डेट्स हमेशा डेट के फॉर्मेट में हो। डेट के फॉर्मेट में डैश आता है, डेट के फॉर्मेट में स्लैश आता है, और सबसे अच्छा तरीका होता है ये देखने का कि डेट का फॉर्मेट आपका सिस्टम क्या फॉलो कर रहा है। आपके सिस्टम में विंडोज पे बिल्कुल लेफ्ट राइट मोस्ट कॉर्नर बिलो वहां डेट और टाइम लिखा आता है, तो वो आपके सिस्टम का डेट का फॉर्मेट है। अगर आपको चेंज करना है, आपको डैश नहीं अच्छा लगता, आपको स्लैश अच्छा लगता है, तो आप वहां जाके चेंज कर सकते हो। या आप अपनी क्लाइंट्स को भी बोलना शुरू करो, क्योंकि ये मैंने बहुत प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, स्पेसिफिकली जब मैं जीएसटी के लिए डेटा इनपुट्स मंगाती हूँ अपने क्लाइंट से, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर माइंड भी उतना एलिजिबल नहीं है कि वो डेटा इंपोर्ट कर सके उसके अंदर से और मुझे एक्सेल में भेज सके, तो वो लोग मुझे ऐसे डेट्स डाल के देते हैं, आई स्ट्रिक्टली रिजेक्ट एज अ सीए। मैं अपना इतना टाइम नहीं वेस्ट कर सकती कि मैं उनको डेट्स ठीक करके दूँ। हाँ, एक बार सिखा सकते हैं हम, बट हर टाइम यू कांट डू दैट रिफ्रेशिंग थिंग, राइट। एक और चीज बता देती हूँ जिससे आपको इजी हो, आपका क्लाइंट नहीं मान रहा, वो इतना एजुकेटेड नहीं है, वो आपको डॉट्स पे डेटा दिया जा रहा है। मैं यहाँ पे दो तीन डेट्स और लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ हाउ कैन यू जस्ट रेक्टिफाई इट विद इन सेकेंड्स। जैसे मैंने ये तीन डेट्स लिख, राइट, अब मुझे इनको डेट के फॉर्मेट में करना है। मैंने इनको पूरा सिलेक्ट किया, राइट, Control H इज फॉर रिप्लेस। अभी कंट्रोल एफ और कंट्रोल एच मैं बहुत इन डेप्थ में कराऊंगी, इसमें बहुत कुछ है, बट अभी उसका एक शॉर्टकट बता रही हूँ। मैंने यहां सिलेक्ट किया कंट्रोल एच, एंड वॉट आई एम सेइंग, फाइंड वॉट डॉट इस सिलेक्शन में एंड रिप्लेस इट विथ स्लैश रिप्लेस ऑल एंड माई डेट्स आर इन डेट फॉर्मेट। सी ऑटोमेटिकली एज आई डिड द चेंजेस फ्रॉम the left alignment it went to the right alignment, so now you can judge my these are proper dates, aur ye number format mein hai, ye text format mein nahi hai। ek aur cheez jo I believe aap mein se kafi ne notice ki hogi, maine replace to slash se kiya tha, ye dash kahan se aa gaya, system apne aap soch raha hai, wo isliye soch raha hai kyunki mere system mein jo date ka format hai, agar meri windows ka jo bilkul corner hai, maine dash define kiya hua hai। तो मैंने जब उसको स्लैश बोला तो उसको ये तो समझ में आ गया कि मैं उसको बोल रही हूँ कि डेट के फॉर्मेट में लेके जाओ। फिर ऑटोमेटिकली एक्सेल इज सो इंटेलिजेंट, उसने क्या किया कि भाई ठीक है आपने वो डिफाइन किया, बट मैं इसको चेंज कर रहा हूँ आपके सिस्टम के फॉर्मेट में। आई बिलीव आई हैव मेड क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। सर कैन यू प्लीज चेक, एम आई नॉट ऑडिबल, बिकॉज यू आर ऑडिबल मैम। दैट्स फाइन, बिकॉज देयर इज अ मैसेज इन द मेल, आई एम नॉट ऑडिबल। Okay, so given this these few things about dates to you, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। आई होप यू हैव ऑल नोटेड डाउन, आई बिलीव दिस इज द ओनली थिंग इम्पॉर्टेंट, 1st January 1900 द वेरी फर्स्ट डेट इन द एक्सेल, ये आप बस नोट कर लो। उसके बाद आई थिंक कुछ ऐसा है नहीं जो आपको याद रखना, और शॉर्टकट कंट्रोल सेमी कॉलन,
राइट ये मैं यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ. दूसरी शॉर्टकट साथ की साथ बता रही हूँ, कंट्रोल सेमी कॉलम के साथ शिफ्ट भी दबा दूंगी मैं. तो कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम, तो जो मेरे सिस्टम का करंट टाइम है वो लॉग इन हो जाता है यहाँ पे. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहां आप हर चीज लॉक करते हो कि किसने कौन सी डेट को कितने बजे क्या किया, तो आपको जाके टाइप करने की जरूरत नहीं है. दीज आर द स्मार्ट एक्सेल शॉर्टकट जो आप यूज कर सकते हो, और ये भी स्टैटिक कमांड है. वो स्टैटिक और डायनेमिक का डिफरेंस बस याद रखना. ये कंट्रोल सेमी कॉलन एंड कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन आर स्टैटिक कमांड. ये चेंज नहीं होगी जितनी बार भी आप फाइल खोलोगे, राइट. और जैसे मैंने आपको टुडे बताया, मैं आपको इसकी कमांड भी बता देती हूँ, दैट इज नाउ, राइट. It is required to give me the current date and time formatted as a date and time. I need to check why it is not giving me the both the inputs. ये मैं आपको check करके मैं बता दूंगी कि दोनों inputs क्यों नहीं दे रहा, because this command is required to give me that only. Okay, coming back to my data now. अब ये मेरे पास data set था. एक control A का function बता दूँ. हमें लगता है कि हमें control A का सब कुछ पता है कि what is for that. Control A जब मैंने एक बार ही press किया डेटा के अंदर जाके, इसने क्या किया, मेरा पूरा डेटा सिलेक्ट किया, मेरी पूरी शीट सिलेक्ट नहीं करी. जस्ट माइंड दिस थिंग, आप जब भी कंट्रोल है दबाएंगे जिस भी डेटा में खड़े होंगे वो सिर्फ उस पर्टिकुलर डेटा सेट को सिलेक्ट करेगा. सी, ये पूरा डेटा सेट मेरा सिलेक्टेड है. एक बार और प्रेस करूंगी ना मैं इसी के बाद बिना एस्केप किए, ये पूरी शीट आपकी सिलेक्ट कर देगा, जितनी भी आपकी पूरी शीट है. देयर इज अ डिफरेंस. आप जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं या पीएनएल बनाते हैं, आपके बैलेंस शीट में नीचे मल्टीपल नोट्स होते हैं, तो आपको जो फॉर्मेटिंग करनी है, एक नोट में पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग करनी है, तो आपको जाके वहां अपना माउस यूज करने की जरूरत नहीं है ऐसे सिलेक्शन करने के लिए. जस्ट गो इनसाइड द डेटा, कंट्रोल ए, और आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा. एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल में, जब भी मैं किसी डेटा सेट की बात करती हूँ, एक प्रॉपर डेटा सेट वो होता है जिसमें हर रो में डेटा होता है. ऐसा नहीं होता कि यहाँ कुछ मिसिंग है. अगर मैं ये मिसिंग कर दूंगी तो अब ये दो डेटा सेट हो गए, ये एक डेटा सेट है और ये एक डेटा सेट है. एक्सेल बहुत क्लेवर है, बट इतना भी क्लेवर नहीं है कि वो ये समझेगा कि हमसे गलती हो गई. वो जितना उसको दिखाई देगा वो उतना सिलेक्ट करेगा. अगर मैं यहाँ आके अब कंट्रोल ए कर रही हूँ तो सी, वो उसको स्पेस मिल गया, इट इज नॉट सिलेक्टिंग दैट डेटा, वो उसने छोड़ दिया. अगेन आई एम डूइंग कंट्रोल जेड, राइट. अभी हम बाकी शॉर्टकट्स, एक और डी, कंट्रोल ए हो गया आपका, कंट्रोल बी आपको आता है बोल्ड करना, कंट्रोल सी इज कॉपी, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. आई बिलीव कंट्रोल डी काफी लोगों को पता है, बट इट्स अ वेरी नाइस थिंग दैट पीपल शुड नो. लेट्स सपोज आई एम राइटिंग हियर जीएसटी. अब मुझे, मैंने आपको जैसे कंट्रोल आर बताया, आर क्या करता है, जो आपने लेफ्ट मोस्ट सेल में लिखा वो सारा राइट में कॉपी कर देता है. सिमिलर इज योर कंट्रोल डी जो नीचे कॉपी करता है. सो सिर्फ देर आर टू कमांड्स फॉर राइट एंड डाउन, देर इज नो कमांड फॉर अपवर्ड्स एंड लेफ्ट मोस्ट, तो उसके लिए आपको नहीं मिलता. अगर मुझे यही सेम चीज यहाँ नीचे पेस्ट करनी है, जस्ट कंट्रोल डी. कंट्रोल डी करने के दो तरीके होते हैं. जो पहला तरीका मैंने किया, जिस सेल में मैंने डेटा लिखा था इंक्लूडिंग दैट सेल, मैंने नीचे सिलेक्शन किया और फिर कंट्रोल डी किया तो पूरा एरिया सिलेक्ट हुआ. बट अगर मुझे एक ही एरिया में लिखना है, जैसे जीएसटी लिखा है, सिर्फ नीचे आके करना है, तो मेरे को कंट्रोल डी करना है. सी, इट सेव्स योर टाइम काफी. जो सिंगल सेल वाला कंट्रोल डी है, ये में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है जब भी हम डेटा सेट, किसी का भी डेटा सेट बना रहे हैं या एंट्रीज कर रहे हैं. सिंगल सिंगल करना है, आप जाके कॉपी पेस्ट करोगे, उससे बेटर है सीधा आपने कंट्रोल डी किया, राइट. अगेन सिलेक्टिंग दिस डेटा एंड डिलीटिंग इट. कंट्रोल ई कुछ नहीं होता, कंट्रोल एफ. नाउ दिस इज अ वेरी नाइस कमांड ऑफ एक्सेल जिसका हम एक बहुत बेसिक यूज करते हैं. हम सिर्फ क्या करते हैं, जो मुझे पता है मोस्टली पीपल क्या करते हैं, कंट्रोल एफ इज फॉर फाइंडिंग. पीपल बिलीव दैट कि फाइंड ही कर लेंगे, इससे ज्यादा हम क्या कर लेंगे. अब मैं आपको इसके बहुत अच्छे अच्छे यूजेस दिखाऊंगी जो हम नहीं करते. हमने यहाँ लिखा कंसल्टेंसी, मुझे कंसल्टेंसी ढूंढना है. अच्छा, फिर मेरे पास माउस नहीं है भाई, माउस तो मैं घर छोड़ आई. अब मुझे यहाँ घूमना है, मुझे फाइंड ऑल करना है, तो हम टैब प्रेस करेंगे. टैब इज फॉर मूविंग इन योर डेटा टैब्स. और शिफ्ट टैब अगर मुझे इसको उल्टा घुमाना है, आई थिंक यू आर एबल टू सी द डिफरेंस. शिफ्ट टैब से मैं उल्टा घूम रही हूँ और अगर मैं सिर्फ टैब दबाऊंगी तो मैं आगे जाऊंगी. सो आई प्रेस्ड फाइंड नेक्स्ट एंड एंटर.
So it is showing me where all the consultancy is written. I believe you are able to see this on the file where my consultancy is written. Enter. This is the basic use. जो सबको आता है, मैंने यहाँ आपको कुछ नया नहीं सिखाया. अब हम यहाँ नया सीखेंगे. हमने यहाँ options को press किया. अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ गए, मैं एक कंसल्टेंसी उठाती हूँ, मैं इसे बोल्ड कर देती हूँ और मैं इसे अंडरलाइन कर देती हूँ. मैंने इसमें फॉर्मेटिंग कर दी. ये आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ, ये आप कहाँ करते हो. अगेन वही बैलेंस शीट का एग्जाम्पल, हम सीए के एग्जाम्पल्स हम हमारे लेके चल रहे हैं. जैसे मैंने कहीं डेट लिखा या नोट लिखा तो वो एक स्पेसिफिक तरीके से लिखती हूँ जब मैं हेडिंग्स लिखती हूँ, पर जब उसके नीचे का डेटा लिखती हूँ या कोई भी नंबर्स लिखती हूँ वो कॉमन होते हैं. बैलेंस शीट पीएनएल के नोट्स में आई बिलीव बहुत सारी जगहें होती हैं जहां हम डेट्स लिखते हैं. जब ऊपर लिखते हैं एज ऑन दिस डेट माय बैलेंस शीट स्टैंड्स, दैट इज इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, और जब नीचे डेट्स जाती है तो अलग फॉर्मेट में आती है, तो अलग अलग है, राइट. अब मुझे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को सर्च करना है, तो मैंने यहाँ लिखा कंसल्टेंसी, राइट. मुझे कंसल्टेंसी सर्च करना है, यहाँ आ रहा है नो फॉर्मेट से. ये कब आया, जब मैंने ऑप्शन पे क्लिक किया कि मुझे फर्दर ऑप्शन बताओ. मैं यहाँ जाती हूँ, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास फॉर्मेट सेट करने के लिए. मैंने कहा वो जो बोल्ड इटैलिक दोनों हो, ओके किया, इसने प्रीव्यू दिखा दिया. अच्छा मेरा इटैलिक तो था ही नहीं, राइट. सो आई हैव टू अगेन गो टू दैट एंड आई एम सेइंग इट्स बोल्ड एंड इट्स एन अंडरलाइन. जो ऐसे वाला है वो वाला मुझे ये फॉर्मेट है, मुझे ये वाला देखना है इसी फॉर्मेट का, इसके अलावा वाला मुझे नहीं देखना. एंड व्हेन आई डू फाइंड नेक्स्ट, एक मिनट, ये यहीं खड़ा है तो वो आपको मूव होता हुआ दिख नहीं रहा. अगेन आई एम प्रेसिंग फाइंड नेक्स्ट. अब मैं बार बार ही फाइंड नेक्स्ट प्रेस कर रही हूँ, ये मुझे सिर्फ एक ही जगह लेके बैठा है, ये मुझे दूसरे कंसल्टेंसी पे नहीं गया, क्योंकि यहाँ जो मेरा सर्च है इट इज मोर डिफाइंड, इट इज डिफाइंड इन अ बेटर मैनर. आई एम नॉट गिविंग अ जनरल सिनेरियो, आई एम गिविंग अ स्पेसिफिक सिनेरियो कि सर्च मी कंसल्टेंसी जो कि बोल्ड और इटैलिक में है. अब इसमें फर्दर एग्जाम्पल देती हूँ. अब इसी वाले कंसल्टेंसी को ऐसा करते हैं, हम इसको सी कैपिटल कर देते हैं, ओके. और ये वाला जो कंसल्टेंसी है इसको मैंने बोल्ड और अंडरलाइन भी कर दिया, ठीक है. अब मैं दोबारा जा रही हूँ. अच्छा इस वाले कंसल्टेंसी में भी अभी यही कह रहा है, आई थिंक यू विल बी एबल टू सी. और ओके इतने कर दिया मैंने. अब मैंने कंट्रोल एफ किया, मैंने बोला कंसल्टेंसी ढूंढो जो बोल्ड हो इटैलिक हो, और मैं जाके इसको बोल रही हूँ मैच केस. व्हेन आई से केस, एक्सेल में केस का मतलब होता है, इवन इन योर वर्ड द मीनिंग इज सेम, केस का मतलब होता है कितना कैपिटल होना चाहिए, कितना स्मॉल होना चाहिए, पूरा कैप्स में होना चाहिए, पूरा स्मॉल में होना चाहिए, या सेंटेंस केस होना चाहिए. सेंटेंस केस वो होता है जहाँ सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं. मैंने बोला मैच केस करो, ठीक है. जब मैंने उसे मैच केस करने को बोला तो अभी मैंने यहाँ कंसल्टेंसी लिखा है जिसमें सी स्मॉल है. लेट्स सी ये मुझे क्या दिखाता है. इसने ये वाला कंसल्टेंसी दिखाया, इसने ये वाला कंसल्टेंसी दिखाया और ये वाला कंसल्टेंसी दिखाया, बट इसने मुझे ये वाला कंसल्टेंसी नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पे मेरा मैच केस नहीं हो रहा था, ये कैपिटल सी है, राइट. अब इसके बाद मैं इसको एक और कंडीशन देती हूँ, मैच एंटायर सेल कंटेंट्स. मतलब यहाँ जो मैंने लिखा है अगर वही सेम है तो दिखाना, वरना मुझे आप मत दिखाना. सो व्हेन आई डू दैट, नाउ सी, अब ये इन्हीं दो कंसल्टेंसी पे घूमेगा. अब इसने ये वाला भी छोड़ दिया. क्यों छोड़ा, इस वाले कंसल्टेंसी में स्पेसेस भी हैं. सो ये स्पेसेस एक ऐसी चीज होती है, अगर मैं यहाँ से अंडरलाइन हटा दू ना, आप जिंदगी में नहीं बता पाओगे इस डेटा के अंदर स्पेसेस है. This is invisible data to you, जो हम एक्सेल में कभी नहीं ढूंढ पाते. So it is not giving me that particular thing, क्योंकि वहां स्पेस है और मैंने जब उसको कमांड दिया मैच एंटायर सेल कंटेंट्स, तो इट इज नॉट फुलफिलिंग इट, वो मुझे नहीं दिखाएगा. सिमिलरली अभी हम जितना सर्च करें, आई थिंक आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर वेन आई एम सेइंग मैच केस एंड मैच एंटायर सेल कंटेंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी सर्च को इतना रिफाइन कर देगा, आपको 5 मिनट लगेंगे उस काम को करने में जिसको आप 25 मिनट लगा रहे थे. सिमिलरली अब यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ विद इन शीट अभी सारा सर्च कर रहे हैं. व्हेन आई से विद इन शीट, मतलब इसी शीट में, ये और कहीं नहीं जा रहा. भाई हम जब एक्सेल में काम करते हैं, हमारी जब बैलेंस शीट बनती है, नोट्स तो ऐसे फैल जाते हैं, कम से कम 25-30 नोट्स होते हैं, बैलेंस शीट के भी हैं, पीएनएल के भी हैं. सो
आई वॉन्ट अ कमांड कि मैं हर शीट पे जाके कमांड नहीं लगाऊंगी, मुझे सीधा सीधा कहना है मेरी वर्कशीट पे, पूरी वर्कबुक में जाके चेक करो ये मैंने कहाँ लिखा है। तो अगर आपको इसका एग्जाम्पल देना है तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया, मैम टेकन एयर आई हैव पेस्टेड एयर जस्ट एव आया आई हैव पेस्टेड नाउ आई विल गो ओवर देयर एंड आई विल से कंट्रोल एफ। अभी मैं यहाँ पे कैपिटल सी डिफाइन कर रही हूँ क्योंकि वहां पे भी कैपिटल सी है, क्योंकि मैं मैच केस कर रही हूँ और मैच इंटायर सेल कंटेंट्स कर रही हूँ। तो उसने वहां सर्च किया ना, वो शीट थ्री पे भी ऑटोमेटिकली गया, मैं नहीं लेके गई, जबकि पहले वो कहीं नहीं जा रहा था, दो मेरा डेटा नहीं था लिखा हुआ, बट मैंने वहां पे सर्च का उसे कमांड दिया हुआ था, दैट वॉज विद इन शीट नॉट विदाउट वर्कबुक। सो योर लाइफ इज नाउ मोर इजी। आपकी पूरी वर्कबुक में जहां जहां आपको चेंजेस करने हैं, अभी हम फाइंड कर रहे हैं, अगर मैं साथ ही साथ रिप्लेस बटन पे भी चली जाऊं वहां पे भी सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। तो फटाफट आपकी पूरी वर्कबुक में चेंजेस एक साथ। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, हर क्वार्टरली उन्हें बैलेंस शीट्स चाहिए, क्या क्वार्टरली प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट्स हैं। जब हम क्वार्टरली बैलेंस शीट्स बनाते हैं मेजरली वी डू इट थ्रू एक्सेल, वी आर नॉट यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम फाइनल बैलेंस शीट्स देते हैं। तो जब आप एक्सेल में करते हो, या आपने बहुत बार फेस किया होगा कि आपका स्टाफ या हमसे भी गलती हो जाती है, हम डेट्स चेंज करना भूल जाते हैं, विच इज अ डिजास्टर फॉर अस। क्लाइंट के आगे बैलेंस शीट जा रही है, 30th सितंबर की डेट आ रही है उसमें 30th जून की। सो आप इसमें यहाँ पे रिप्लेस की कमांड से एक बारी में पूरी शीट में आप अपने चेंजेस कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है दैट सेज व्हाट डू यू वांट टू सर्च, हाउ डू यू वांट टू सर्च, आपको रो वाइज सर्च करना है, कॉलम वाइज सर्च करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा डेटा सेट ऐसा है, जैसे मैंने यहाँ लिखे चार्जेस, अब यहाँ पे मैं दो तीन कॉलम और बना देती हूँ, IGST, CGST, SGST, देन मैं टोटल इनवॉइस वैल्यू, तो मेरे पास जो अमाउंट वाला कॉलम है पांच कॉलम में बाइफोकेट हो गया और मुझे एक स्पेसिफिक 1000 रुपए के अमाउंट को ढूंढना है। अगर मैंने इसको कमांड दिया कि सर्च बाय रोज, तो वो ऐसे डेटा देखेगा, मतलब लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट, तो वो एक एक रो को पूरा पढ़ेगा एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अब 1000 रुपए के चार्जेस ऐसा भी हो सकता है, बेसिक भी हो और या GST भी हो, तो वो मुझे जबरदस्ती का आउटपुट देगा जो कि मुझे नहीं चाहिए। सो आई कैन वेरी डायरेक्टली से प्लीज डोंट सर्च बाय रोज, प्लीज सर्च बाय कॉलम्स। तो वो आपका कॉलम वाइज आपका पूरा डेटा आपको सर्च करके बता रहा है, राइट। ओके, नाउ लुक इन फॉर्मूलाज, हाउ डज इट हेल्प इट। अभी जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा मेरा कोई सेल है A1 सेल, मुझे उस पर्टिकुलर सेल में कोई चेंजेस करने हैं, मुझे A1 सेल का डेटा नहीं चाहिए, मुझे B2 सेल का डेटा चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो हम यहाँ करते हैं, पहले एक यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, आई बिलीव ये फॉर्मूला तो वैसे सबको पता होगा, सम का। मैंने सम किया यहाँ पे इन पांच कॉलम्स का, सो माय समेशन इज फ्रॉम D2 टू D8। मैंने यहाँ पे उसका फॉर्मेट चेंज किया हुआ था सी, जब यहाँ पे ग्रीन आ जाता है और ये आपको एरर आ जाता है तो ये आपको समझ लेना चाहिए देयर इज सम इशू। यहाँ पे हमने टाइम का फॉर्मूला लगाया था इफ यू रिमेम्बर, राइट। हम इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं, हम यहाँ चलते हैं और हम यहाँ कहते हैं, यहाँ कर दे भाई हमारी लाइफ इजी रख, डोंट मेक इट सो डिफिकल्ट। सो इट इज गिविंग मी अ समेशन ऑफ 42,600 एंड व्हाट इज एग्जैक्टली द फॉर्मूला इज D39 टू D45। अब जो मुझे चेंज करना है वो फॉर्मूले के अंदर करना है, सो इफ आई गो एंड डू कंट्रोल एफ, हम यहाँ रिप्लेस में चले जाते हैं, आई एम सेइंग कि जहां D39 लिखा है वहां मेरा चेंज करके आप कर दो D41, राइट। प्रीव्यू है नहीं यहाँ पे, इसको मुझे निल करना पड़ेगा क्योंकि इट्स अ फॉर्मूला, क्लियर फाइंड फॉर्मेट, मैच केस एंटायर सेल कंटेंट ये सब मैंने हटा दिया, मेरी उतनी रिफाइन नहीं है, बस मुझे फॉर्मूलेज में करना है। फाइंड नेक्स्ट करते हैं, यहाँ आ गया, अब मैंने उसको बोला रिप्लेस ऑल, इट डिड द रिप्लेसमेंट। नाउ यू कैन सी व्हेन आई सेड D39 को D41 में चेंज करो, इसने इस फॉर्मूले में गया और D39 की जगह D41 में चेंज कर दिया है। हाउ वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, आई एम टेलिंग यू द यूज एज वेल। ऐसा काफी बार ही होता है कि हम भी कुछ एक बेस फिगर लेके चलते हैं और हमारी जितनी कैलकुलेशंस हो रही है उस बेस फिगर के बेसिस पे हो रही है। अब मुझे एक और ड्राफ्ट बनाना है उसका, बट मुझे बेस फिगर जो मैंने लिखी है आई कांट चेंज, आई एम राइटिंग इन अनदर सेल सम अनदर फिगर, बट नाउ आई वॉन्ट टू सी कि उस अनदर फिगर को करने की वजह से वॉट वुड बी द इम्पैक्ट इन माई डेटा। तो आप यहाँ जाके सीधा चेंज कर सकते हैं कि फाइंड करो इस पर्टिकुलर सेल को एंड चेंज इट विद दिस,
तो वो पर्टिकुलर सेल जिस जिस फॉर्मूले में आपकी शीट में होगा, आप एक साथ जाके सारे चेंज कर सकते हो। यहाँ सिर्फ आपको रिप्लेस ऑल का प्रेस करना है और वो हर जगह रिप्लेस हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सी व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द चेंजेस दैट यू हैव मेड। राइट, जो अभी हमने फाइंड में किया, रिप्लेस इज एग्जैक्टली सेम, दिस इज जस्ट एन एडिशनल बेनिफिट टू यू। फाइंड में सिर्फ आप ढूंढते हैं, रिप्लेस में आप उसको चेंज कर सकते हैं व्हाट एवर यू डिफाइन। हमने अभी रिप्लेस का एक एग्जाम्पल भी किया था जहां हमने डॉट्स को स्लैश से रिप्लेस किया था सो दैट माई डेट कम्स इन टू द डेट फॉर्मेट। राइट, ओके, गुड टू गो अहेड विद दिस। सो वी आर डन विद कंट्रोल एफ। एफ के बाद आता है आपका कंट्रोल जी। हम अभी बात कर रहे थे कि हमने एक शॉर्टकट किया था कंट्रोल पेज अप कंट्रोल पेज डाउन, बट अगर आपकी वर्कबुक में 50 वर्कशीट है और मुझे फर्स्ट वर्कशीट से सीधा 48 वर्कशीट पे जाना है, तो क्या आप कंट्रोल पेज डाउन 48 टाइम्स प्रेस करोगे? नो, बिकॉज यू आर अ स्मार्ट वर्कर। सो व्हाट वी विल डू, इसको करने के लिए हम पहले ऐसा करते हैं, इसमें 5-6 शीटें और इंसर्ट कर लें। आई बिलीव यू ऑल रिमेंबर शीट्स इंसर्ट करने का फॉर्मूला, दैट वॉज ऑल्ट एच आई एस। इंसर्टेड वन मोर शीट, आई विल रिपीट इट, ऑल्ट एच आई एस। अब उसके बाद जो आपने लास्ट कमांड करी है, अब मेरे को ऑल्ट एच आई एस भी प्रेस नहीं करना भाई, बहुत ही आलसी किस्म का प्राणी हो जाता है इंसान की, जब शॉर्टकट सीख ही रहे हैं तो दुनिया भर के शॉर्टकट सीखते हैं। लास्ट कमांड रिपीट करने का शॉर्टकट होता है F4। तो जो भी आपने लास्ट कमांड लगाई है, अगर आपको वही बार बार ही रिपीट करनी है, जैसे रोज इंसर्ट करनी है, कॉलम्स इंसर्ट करनी है, तो पूरी कमांड लिखने का कोई सेंस नहीं होता। जस्ट प्रेस F4, यू विल बी एबल टू सी। नीचे देखो मेरी दुनिया भर की शीट्स ऐड होती चली जा रही है। अनदर शॉर्टकट। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ शीट 3 पे और मुझे जाना है शीट 1 के। लेट्स सपोज आई वांट टू गो टू सेल नंबर जी, जी तो नहीं जाते हम, B5 सेल नंबर पे मुझे जाना है। आई प्रेस कंट्रोल जी, जी इज द शॉर्टकट फॉर गो टू कमांड। ये थोड़ा सा एक बेसिक है जो आपको याद करना पड़ेगा। एक्सेल में आप कभी भी शीट्स के नेम्स कैसे लिखते हैं, जो भी आपका शीट का नाम है, यहाँ मेरी शीट का नाम है शीट 1, आई एम गोइंग टू राइट शीट 1, एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखेंगे ताकि वो सेपरेट हो जाए और फिर आपको जिस भी सेल पे जाना है उस सेल का एड्रेस। सो आई हैव टू गो टू जी, जी नहीं हमें जाना है D4 पे। सो व्हेन आई डू ओके, सीधा मुझे वो D4 पे ले आया। तो गो टू कमांड जो है वो आपको सीधा उस एड्रेस पे ले आएगी जहां आपको जाना है। आई डोंट नीड टू डू पेज अप पेज डाउन पेज डाउन। दूसरा गो टू कमांड का फायदा ये होता है, आप उसमें जितने एड्रेसेस डालते हो वो वहां रिकॉर्ड होते चले जाते हैं। अभी मैं दोबारा कंट्रोल जी दबाऊंगी ना, तो ये मेरा लास्ट जो मेरा एरिया था जहां मैं खड़ी थी, व्हाट वाज माय लास्ट एरिया, दैट वाज शीट 3 एक्सक्लेमेटरी मार्क B3। तो मैं इस पर्टिकुलर सेल पे खड़ी थी, एंटर करूंगी डायरेक्टली है। आई बिलीव आप इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज कर सकते हो, क्योंकि ये हम बहुत ज्यादा करते हैं कि बैलेंस शीट और नोट्स की लिंकिंग जब हम करते हैं तो बैलेंस शीट का जो फेस है वो फ्रंट पे आ रहा है। अब मुझे उसकी लिंकिंग एक एक नोट से करनी है, तो मेरे को जैसे जैसे नोट्स पे जाना आई कैन यूज माई कंट्रोल जी कमांड रादर देन यूजिंग माई माउस और उस पर मैं ढूंढ रही हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। सिमिलरली अब जो है आपका यहाँ पे कंट्रोल जी किया, अभी मैं एक और एड्रेस डालती हूँ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हाउ डज इट नोट डाउन ऑल द एड्रेसेस। अब मुझे जाना है शीट 5 के A10 पे, सॉरी A10 पे जाना है। So it went to sheet 5 A10 cell, right? मैं यहाँ पे चली गई। अब मैं वापस control G करूंगी तो it is giving me all the last addresses that I have visited, right? तो मैं यहाँ जा सकती हूँ, तो मुझे जिस भी address पे जाना होगा, मुझे यहाँ जाना है sheet 1 पे जाना है and then I can go there. So go to command is very helpful in that scenario, right? तो हमने control G कर लिया, control H, control H is your shortcut for replace. वो हो चुका है। H के बाद क्या आता है, वेरी बैड इन ABCD, I, I is for italics, everybody knows that, nothing to be told specifically, I am doing it, control I, it's in italics, control Z, J में आपका कुछ नहीं होता, K, now K is very important, very nice command, specifically, मैं अगर अपनी as a chartered accountant बात करती हूँ, मैं अपनी कोई भी reports अगर management को submit करती हूँ, I as a chartered accountant believe कि
आपकी रिपोर्ट्स हमेशा एविडेंस्ड होनी चाहिए, सारे एविडेंसेस वहीं लगे हुए होने चाहिए जो आपकी शीट है, तो कि ताकि जो आपका क्लाइंट है, जो मैनेजमेंट है, वो उसी टाइम देख ले कि भाई दिस इज योर ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज योर ओपिनियन, दिस इज योर एविडेंस बेस्ड ऑन विच यू हैव गिवन मी एंड क्वेश्चन. अब अगर मैं उसको एक फाइल देती हूँ, हम जनरली ऐसा करते हैं, हमारी एक क्वेरी शीट होती है, ऑडिट करने के बाद हम एक पॉइंटर बनाते हैं, पूरा क्वेरीज होती है, लेट्स सपोज सिर्फ 25 क्वेरीज है मेरी उसके अंदर, कि ये मेरी ऑब्जर्वेशंस एंड दिस इज बेस्ड ऑन दिस एविडेंस. हमने एक एविडेंस का कॉलम बना लिया यहाँ पे, मुझे यहाँ एविडेंस देना है. अब अगर मैं यहाँ कॉलम नहीं बनाती, जनरली हम क्या करते हैं, जो भी हमारे एविडेंस होते हैं, या तो स्कैंड फोटोज होती हैं, या लेजर के प्रिंट आउट्स होते हैं, या कोई वाउचर्स होते हैं, वो हमने अलग से एक फोल्डर में सेव कर लिया. बट अब जो मेरा मैनेजमेंट है, ही इज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डज ही हैव दैट मच टाइम कि वो पहले वो 20 क्वेरीज देखेगा, फिर उन 20 को 20 के साथ लिंक करेगा, अच्छा फर्स्ट पॉइंट का ये वाला एविडेंस है, अगर डायरेक्टर से मैंने इतनी मेहनत करानी है तो वो मुझे पैसे क्यों देगा, राइट? वी हैव टू गिव हिम समथिंग वेरी स्मार्ट एंड वेरी यूजफुल फॉर हिम, कि वो 5 मिनट लगाए एंड ही इज एबल टू गेट दैट. हम ये मान लेते हैं ये मेरी पहली क्वेरी, आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट. अब मुझे इस क्वेरी के ऊपर यहाँ उसका एविडेंस मैंने सेव करके रखा हुआ है, तो मैं उसका यहाँ उसे हाइपरलिंक क्रिएट करके दूंगी कि ये पर्टिकुलर जगह पे आप क्लिक करो एंड यू विल गेट द फाइल. कंट्रोल के मैंने दबाया, कंट्रोल के यहाँ मैं दबाती हूँ, तो वो मुझे पूरा ऑप्शन दे देता है कि भाई आपको कहाँ से क्या फोल्डर लेना है. अब जैसे मैं यही जाती हूँ, मैं यहाँ एडवांस एक्सेल में गई, और यहाँ जैसे मैंने कुछ भी लिया, जैसे ये एक डेटा है मेरा, ये मेरा डेटा था, मैंने इसको क्लिक किया. यहाँ ये पूछता है आपको क्या डिस्प्ले कराना है टेक्स्ट, तो आई सेड एविडेंस वन, आई मेंशनड इट एंड आई एम डूइंग दिस. ओके, सो यहाँ एक हाइपरलिंक आ गया. दिस इज वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड, कि जैसे ही जिस पर्टिकुलर एरिया पे जाते ही आपका कर्सर एक हैंड में कन्वर्ट हो जाता है एक फिंगर में, सो दैट इज एन हाइपरलिंक. So I've created a hyperlink, और जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, ये मेरा एक डेटा यहाँ पे खुल के आ गया, जो भी मैंने अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना था. दिस इज एन एक्सेल फाइल, आई कनेक्टेड एन एक्सेल फाइल, सो इट इज ओपनिंग एन एक्सेल फाइल. यू कैन मेंटेन ऑल योर बी इट बी जेपीजी इमेज और बी इट योर पीडीएफ सिंक्स, एनीथिंग, किसी को भी आप लिंक कर सकते हो. एंड इट्स नॉट ओनली डेटा विच यू कैन लिंक ओवर हियर, यू कैन लिंक ओवर हियर एनी काइंड ऑफ वेबसाइट ऑल्सो. जैसे बहुत बार ये होता है, हम जीएसटी के जो ऑब्जर्वेशंस करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कार सेल की बात करते हैं, कार सेल में आपके इनिशियली एक और नोटिफिकेशन था, बाद में आई थिंक आपका नोटिफिकेशन नंबर 37 आया जो एप्लीकेबल हुआ. हम वहां पे उस नोटिफिकेशन को मेंटेन करना चाहते हैं, बट अलग से डेटा नहीं मेंटेन करना चाहते कि भाई कौन सा नोटिफिकेशन था. तो आपके पास, आपको वेबसाइट से लिंक करना है. अगर मुझे वेबसाइट से लिंक करना है, आई बिलीव माई दिस गूगल क्रोम पेज इज ऑल्सो विजिबल टू ऑल ऑफ यू. So let's suppose I have to link any particular page, like for example, any website in my mind. Okay, I want to link this bank का web page. This is my area जहाँ मेरे सारे notifications हैं जो मुझे यहाँ link करने. ये particular एक website है जो मुझे link करना है. तो मैं यहाँ गई, यहाँ मैंने control K किया. Now it is asking me कि अब मुझे फोल्डर से कुछ नहीं करना, मुझे फोल्डर से यहाँ कुछ भी नहीं लिंक करना. एक एड्रेस दे रही हूँ मैं इसे, जो मैंने वहां से कॉपी किया, गूगल से कॉपी करके यहाँ डाला, और यहाँ मैंने लिखा नोटिफिकेशन. ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर ब्ला ब्ला ब्ला, लेट्स सपोज इट्स नोटिफिकेशन नंबर 1, आई हैव मेंशन फॉर दिस. एंड अब दिस ओके, मैं इसको क्लोज करती हूँ. पहले यहाँ पे मैं यहाँ गई, मैं इसको क्लिक करूंगी, ये जो मैंने उसे एड्रेस दिया वो बाय डिफॉल्ट जाएगा और वो वाला एड्रेस मुझे खोल के दिखा देगा. सो आई डोंट नीड टू सेव दैट डेटा. मैंने वहां पे एक बस अपना एक हाइपरलिंक क्रिएट किया कि बस मैं जाके क्लिक करूंगी एंड दैट पर्टिकुलर वेबसाइट विल बी ओपन, प्रोवाइडेड दोज वेबसाइट्स आर वर्किंग. बहुत बार ये होता है वेबसाइट के पेजेस चेंज हो जाते हैं, अगर आपका एड्रेस चेंज हो गया तो वो नहीं दिखाएगा, राइट? सो कंट्रोल के अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कमांड. पर इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, आप ऐसा नहीं कर सकते. अब ये जो मेरी एक्सेल फाइल है, राइट, इसमें जो मैंने एविडेंसेस चिपकाए, जो मेरी फाइल्स के एविडेंसेस हैं, वो मैंने कहीं सेव कर लिए, और मैंने जब इसमें हाइपरलिंकिंग किया, मैंने वहां का एड्रेस दे दिया,
अब जब मैं अपने क्लाइंट को डेटा भेजूंगी, मैं खाली उसे एक्सेल फाइल नहीं भेज सकती, क्योंकि एक्सेल फाइल जब उसके सिस्टम पे जाएगा, अब वो उसका अपना सिस्टम है, मेरा सिस्टम नहीं है, तो उसे एड्रेस ही समझ नहीं आएगा कि मैंने कहाँ की हाइपरलिंकिंग क्रिएट की है। हाँ, वेबसाइट्स चल जाएंगी क्योंकि दैट इज ऑन द ग्लोबल सर्वर, बट नॉट माई फाइल्स। तो हाउ यू शुड डू दिस, ऑलवेज फाइनल रिपोर्ट का आप अपना एक फोल्डर बनाएंगे सिस्टम में, जहां मर्जी बनाएं, आपका जो फोल्डर है उसी में आपकी एक्सेल फाइल होगी और जितने भी एविडेंसेस हैं वो सब भी उसी एक्सेल फाइल में आप अटैच करेंगे, सारे एविडेंसेस, पूरा फोल्डर बन गया आपका। आप जिप करके आप अपने क्लाइंट को मेल कर रहे हैं, आप वहां पे प्रॉपरली अपनी मेल में आप मेंशन कर सकते हैं, प्लीज गो थ्रू द एक्सेल फाइल वेयर ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर मेंशनड अलोंग विद द एविडेंसेस, सो देयर ही विल गो। अब उस फाइल में जो आपने हाइपरलिंक क्रिएट किया है वो एड्रेस उसी फोल्डर का है, तो वो वर्क करेगा और उसको सारे एविडेंसेस दिखाई देंगे। द ओनली ड्रॉबैक, अगर आपकी फाइल्स बहुत हैवी है तो आपका फोल्डर बहुत हैवी हो सकता है, आपको जिप करके भेजना पड़ेगा, यहाँ आपको थोड़े फाइल साइज के कंस्ट्रेंट्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज दैट जीमेल 25 MB से ऊपर ऑब्जर्व नहीं करता, मतलब ऑब्जर्व नहीं करता है, फिर आपको गूगल ड्राइव के थ्रू चीजें करनी पड़ेगी, राइट? Okay, another good way of sharing the things with your clients. So we are done with control K. I am again deleting this data. Keep my this data safe and secure. Ab hai aapka control L. Control L or control T are the same command. There is no difference. So once I do control L, control L is for create a table, that you want to create a table. Ye command मुझे अपने आप में ना एक वाओ कमांड लगती है। हम जब भी एक्सेल में काम करते हैं, वी फ्रिक्वेंटली वर्क इन फिल्टर्स और ये सब चीजें हम लगाते हैं, बट टेबल से पता बहुत फायदा होता है। मैं अपने हर डेटा सेट में एक फिल्टर लगा देती हूँ, मुझे फिल्टर के साथ साथ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं जब मैं टेबल कमांड लगाती हूँ। हम एक बार करते हैं। नाउ एक्सेल इज वेरी इंटेलिजेंट, ऑटोमेटिकली उसने देखा कि भाई ये इसका डेटा सेट है, उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्शन मारा। माई टेबल हैज हेडर्स, आई एम डिफाइनिंग कि मेरे टेबल में हेडिंग है। अगर आपके टेबल में हेडिंग नहीं होते, आप इसे अनचेक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर एक ब्लैंक सेल लेके उसमें फिल्टर का आपको ड्रॉप डाउन देगा। सो व्हेन आई डू दिस, सो सी नाउ आई हैव गॉट माई एंटायर डेटा इन टू टेबुलर फॉर्म। ये कलर वलर, तो आप जब आप टेबल में आते हो तो यहाँ आपका अलग से टेबल डिजाइन का टैब ओपन हो जाता है, ये आप कलर वलर प्रेजेंटेशन वगैरह आप ये सब चीजें चेंज कर सकते हो, और ये आपके मल्टीपल फंक्शंस आपके पास आ गए। इन मल्टीपल फंक्शन से क्या बेनिफिट होता है, दिस विल डू लेटर ऑन, ये आज की क्लास में हम नहीं करेंगे, बट दिस इज अ नेक्स्ट लेवल ऑफ फिल्टर। आई वुड से फिल्टर के सारे बेनिफिट्स आपके यहाँ सारे अवेलेबल है। अभी हम फिल्टर्स भी करेंगे, आज की क्लास में हम बेसिक फिल्टर सीखेंगे कि फिल्टर से आप क्या क्या कर सकते हो, बट थ्रू कंट्रोल टी और कंट्रोल एल यू कैन गेट दैट। इसका मैं एक सिंपल बेनिफिट है जो मेरा मन है कि मैं अभी दिखाऊं। हम क्या करते हैं, यहां आपका जो ये डेटा है, राइट, अगर मैं यहाँ ऑल्ट इक्वल टू का फॉर्मूला लगाती हूँ, ऑल्ट इक्वल टू, आई बिलीव यू ऑल पीपल नो ऑल्ट इक्वल टू इज द शॉर्टकट फॉर समीशन। तो जहां आपका जितना डेटा कॉन्टिन्यूस है वो ऑटोमेटिकली उतने डेटा का समीशन देता है, बट जब मैं ये फॉर्मूला टेबल पे लगाती हूँ इट इज डिफरेंट। मैंने जब यहाँ ऑल्ट इक्वल टू लगाया, यहाँ ऊपर आप फॉर्मूला बार में जरा एक बार गौर से देखने की कोशिश करो, व्हाट इट इज मेंशनिंग, सब टोटल्स। सब टोटल अगर आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट आई विल डिफाइन व्हाट इज एग्जैक्टली सब टोटल। सब टोटल इज ए नेक्स्ट वर्जन ऑफ योर सम, एवरेज, मल्टीप्लीकेशन, इन सारे फॉर्मूले का ये नेक्स्ट वर्जन है। सब टोटल के फायदे क्या होते हैं, जब आप सम का फॉर्मूला लगाते हो तो अगर आपका ये मेरा 1500 रोज का डेटा है तो 1500 के 1500 रोज का टोटल दिखाएगा हमेशा। दिस फिगर विल बिकम स्टैटिक, 81,57,000 ही आंसर आएगा, जो मर्जी कर लो, क्योंकि वो एक स्टैटिक फॉर्मूला है। बट सब टोटल क्या करता है, उसको डायनेमिक बना देता है। अब कैसे डायनेमिक बनाता है, लेट्स गो एंड सी। नाउ व्हाट आई वांट टू सी द डेटा, द वर्क विच इज डन बाय माई एम्प्लॉई ए। साथ के साथ शॉर्टकट जॉटेड डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। हम इसको खोलते कैसे हैं, इस ड्रॉप डाउन को माउस ले जाती, नहीं खोलना हम, ऑल्ट डाउन एरो की। सो वंस यू प्रेस ऑल्ट डाउन एरो की, आपको यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन खुल जाएगा, आपको जो मर्जी करना है आप कर सकते हो। मैं यहाँ नीचे आई,
सबसे पहले मुझे सिलेक्ट ऑल को अनचेक करना है क्योंकि मुझे सिर्फ ए का डेटा देखना है, तो मैंने सिलेक्ट ऑल को अनचेक करने का शॉर्टकट स्पेस, क्योंकि मैं माउस तो घर भूल आई हूं. नाउ आई हैव टू सिलेक्ट ए अगेन स्पेस एंड एबल टू सिलेक्टेड एंड जस्ट एंटर. तो सिर्फ ए का डेटा दिखेगा मुझे. और अब मैं यहाँ कंट्रोल डाउन एरो की से नीचे आई, जंप मार के, सी द फिगर हैज चेंज्ड. हम कहाँ 81 लाख की बात कर रहे थे और अब 81 लाख से मेरा डेटा क्या है, 12 लाख, सॉरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, 12,39,400 ये मेरा टोटल है. ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? सो सब टोटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू गेट दैट सब टोटल थिंग ऑटोमेटिकली व्हेन वी आर वर्किंग इन टेबल्स. टेबल्स का शॉर्टकट कंट्रोल एल और कंट्रोल टी. साथ के साथ एक और शॉर्टकट, हमने यहाँ फिल्टर लगा दिए, फिल्टर मुझे क्लियर करना है. फिल्टर क्लियर करने का शॉर्टकट ऑल्ट ए सी. तो अब वापस मुझे पूरा डेटा दिखेगा, मुझे फिल्टर हटाना नहीं है, मुझे सिर्फ फिल्टर क्लियर करना है. ये अभी हम फिल्टर्स करेंगे, विल गो इनटू मोर डेप्थ इनटू दैट. सो आई बिलीव यू आर गेटिंग द कंट्रोल टी एंड कंट्रोल एल. कंट्रोल एल के बाद आता है आपका कंट्रोल एम. कंट्रोल एम तो मुझे कुछ याद नहीं आता कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता. अच्छा चलो, अभी जैसे मैं कंफ्यूज थी कि कंट्रोल एम कुछ होता है या नहीं होता, तो आई डोंट नो, आप अपने सिस्टम्स पे करके देखें साथ साथ, उसका वॉल्यूम ओपन होना चाहिए. जब आप कंट्रोल एम प्रेस कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर कमांड जहां कुछ नहीं है वहां एक साउंड आता है, टंग टंग. सो एक्सेल इज टेलिंग यू आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कमांड, राइट? चलो अब आगे चलते हैं. एम के बाद आता है एन, कंट्रोल एन. इट्स वेरी कॉमन शॉर्टकट, हर यूटिलिटी में यूज होता है. इट्स अ न्यू वर्कशीट, आई गेट अ न्यू फाइल ओपन. देन अनदर शॉर्टकट ऑल्ट टैब. आई बिलीव एवरीवन यूजेस दिस. ऑल्ट टैब इज दिस शॉर्टकट इज आपके जितने डेटा खुले हुए हैं, आपने जो जो चीजें खोली हुई हैं आपको वहां पे शफल करना है, मूव करना है. सो ऑल्ट टैब, ऑल्ट आप दबा के रखो, टैब को प्रेस 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 करते रहो, यू विल मूव इन टू दैट. आई नो दीज आर वेरी बेसिक कमांड्स, बट अगर नहीं आती तो सीखने में कोई घाटा नहीं है, राइट? कंट्रोल एम एन ओ. कंट्रोल ओ अगर आपको कोई पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है तो आप ओ करोगे, ये आपको एग्जैक्टली इस एरिया पे ले जाता है कि आपको कौन सी फाइल खोलनी है आप खोल सकते हो. एस्केप कर दिया तो मैं बाहर आ गई क्योंकि देयर इज नथिंग टू ओपन फॉर मी. कंट्रोल पी इज फॉर प्रिंटिंग. इफ यू वॉन्ट टू प्रिंट योर डेटा यू कैन गेट इट प्रिंटेड. इफ यू हैव माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 -365, दिस इज द बेस्ट फीचर आई लाइक. When I talk about printing, it's give me this fit sheet on one page. तो यहाँ तो बहुत ही वाहियात हो गया. I'll say fit all columns on one page. So it has fitted all my columns on one page and I can take the best print out. This feature I've got it in Microsoft Office 365. Not before that. So this is a very nice feature of Office 365. P के बाद Q पे आपकी कोई command नहीं होती. उसके बाद आपकी है पी क्यू आर. आर मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल आर राइट में कॉपी करना है. कंट्रोल एस अगर मुझे सेव करना है, सेव करने की कमांड. कंट्रोल टी इज अगेन सेम टू योर कंट्रोल एल व्हाट विच वी हैव ऑलरेडी डन. कंट्रोल यू इज फॉर अंडरलाइन, वी नो दैट. उसके बाद आती है आपकी कंट्रोल वी. कंट्रोल वी इज वेरी कॉमन, मतलब कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी पेस्टिंग. देखो टेबल का फायदा, ऑटोमेटिकली वो डेटा को वहां एक्सटेंड करके ले गया. मैं जेड कर रही हूँ, कंट्रोल जेड बिकॉज आई डोंट नीड दैट. वी के बाद कंट्रोल डब्ल्यू. कंट्रोल डब्ल्यू इज इफ यू वॉन्ट टू क्लोज योर एग्जिस्टिंग ओपन एक्सेल. इफ यू वॉन्ट टू डू दैट यू कैन डू थ्रू कंट्रोल डब्ल्यू. मेरे को वहां फाइल पे जाके उसे एग्जिट करने की जरूरत नहीं है. कंट्रोल एक्स कॉपी पेस्ट होता है, एक आपका कट कॉपी कट पेस्ट होता है, उसके लिए कंट्रोल एक्स. कंट्रोल जेड आपको पता है, अंडू. कंट्रोल वाई उसका रिवर्स है, दैट इज रीडू, राइट? गेटिंग इट? ओके. सो अब एक चीज है यहाँ पे, पेस्ट स्पेशल, विच आई लव लाइक एनीथिंग, दिस पेस्ट स्पेशल कमांड. ऐसा करते हैं उसे करने के लिए, पहले तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल कमांड वेरी यूजफुल फॉर मी. मतलब आई एम ऑफ द ओपिनियन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट
कि मैं जब भी जो भी वर्किंग फाइल बनाती हूँ या बैलेंस शीट्स बनाती हूँ, स्टेटमेंट, हम बड़ी फाइलों की बात नहीं करते, हम छोटे छोटे क्लाइंट्स की बात करें, मैं उनका छोटे बिजनेस है, उनका रिसीट एंड पेमेंट बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बना रहे हैं, हम सारी लिंकिंग्स करते हैं, उनका ट्रायल बैलेंस एक जगह सेव करते हैं, ट्रायल बैलेंस से लिंक कर करके हम सारे फिगर्स लेके आते हैं. डज इट मेक सेंस दैट आई विल शेयर ऑल माई वर्किंग विद माई क्लाइंट्स? नो. वाई शुड आई शेयर? दैट्स माई कॉपीराइट थिंग्स, मेरी ओनरशिप है उस डेटा के ऊपर. तो मैंने एक बार की थी ये गलती, जब व्हेन आई वाज इन द इनिशियल इयर्स ऑफ माय प्रैक्टिस, आई शेयर्ड माय एंटायर लिंक्ड फाइल विद माय क्लाइंट. यू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट ईयर? मेरे क्लाइंट ने उसमें खुद ही डेटा डाला, मुझे भेजा और मेरी फीस को 20% कर दिया. कहता मैडम सारा तो मैंने बना दिया, आपने किया क्या? आई एक्चुअली गॉट दिस थिंग. सो व्हाट इज पे स्पेशल? पे स्पेशल मल्टीपल एरियाज में हेल्प करता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं वो ये होता है, हम डेटा को कॉपी करके पेस्ट कैसे करते हैं एज वैल्यूज. आई शो यू हम कैसे करते हैं. हम यहाँ पे, ये एक हमारी शीट 4 एम्प्टी शीट है, हम यहाँ गए, हम यहाँ पे एक छोटा सा ना डेटा बनाते हैं. डेटा बनाने का एक बहुत अच्छी कमांड होती है, आप कमांड भी साथ के साथ यूज सीख लो, रैंड बिटवीन. एक ये चीज, और जब भी आप एक्सेल में कमांड लिख रहे हैं आप इस चीज को भी सीखो, दिस इज अनदर शॉर्टकट. मैंने जैसे यहाँ पे रैंड लिखा, इट गेव मी 3 ऑप्शंस, तो मैं पूरा नहीं लिखूंगी, मैं डाउनवर्ड एरो की से आई तो ये रैंड बिटवीन पे आ गई. बट इसको एंटर करके सिलेक्ट नहीं करना, इसको सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, टैब दबाएंगे, एंटर करोगे तो वो कहेगा नो रिजल्ट, क्योंकि आपने कुछ इनपुट स्ट्रिंग्स नहीं दिए उसके अंदर. रैंड बिटवीन एक कमांड होती है, हम जैसे जब भी एनालिसिस करते हैं, कोई भी सैंपल चीजें उठाते हैं, तो रैंड बिटवीन हमें बहुत हेल्प करती है रैंडम डेटा जनरेट करने के लिए. अभी जो मैंने आपसे शीट शेयर करी है, जो डेटा है वो रैंडमली मैंने जनरेट किया, तो यहाँ मुझे बॉटम और अपनी टॉप की लिमिट डिफाइन करनी है कि ये मेरा बॉटम है, ये मेरा टॉप है, और आप मुझे डेटा जनरेट कर दो. सो लेट्स सपोज आई एम गिविंग अ टॉप बॉटम लिमिट ऑफ 100 एंड टॉप लिमिट ऑफ 200 एंड एंटर. सो आई हैव गॉट दिस रैंडम फिगर. अब मैं यहाँ ऊपर गई, हमने अभी कमांड किया था कंट्रोल डी, मुझे एग्जैक्टली सेम कॉपी करना है, मैं कंट्रोल सी कंट्रोल भी नहीं करूंगी. शिफ्ट के साथ डाउन एरो की 10-15 सेल लिए एंड आई एम डूइंग कंट्रोल डी. कंट्रोल डी करते ही वो पूरा फॉर्मूला कॉपी हो गया, रैंडम वैल्यूज आएंगी, यू कैन चेक इट, द वैल्यूज विल बी बिटवीन 100 एंड 200 ओनली, इट विल नॉट बी एनीवेयर एल्स. दूसरा रैंड बिटवीन जो है, इट्स अ रैंडम कमांड, मैं जितनी बार जो मर्जी करूंगी इट विल कीप ऑन चेंजिंग. अब लेट सपोज मैं से कंट्रोल सी करके यहाँ कंट्रोल वी करती हूँ, तो यहाँ भी वो फॉर्मूला कॉपी हो गया बट पिछली वाली वैल्यूज भी चेंज हो गई, तो इट विल कीप ऑन चेंजिंग. सो जब भी आप रैंड बिटवीन की कमांड यूज कर रहे हो, मेक श्योर आपको जब उसे स्टैटिक करना है आप कर लो, नहीं तो आपका एनालिसिस हिलता रहेगा बार बार. मेरे को एक बारी और उसको कॉपी पेस्ट करना है, मैंने कर दिया. अब यहां मैंने फॉर्मूला लगाया ऑल्ट इक्वल टू समेशन, अगेन आई एम सिलेक्टिंग शिफ्ट के साथ राइट एरो की, मुझे सेम फॉर्मूला कॉपी करना है कंट्रोल आर. मैं हर पे जा के बार बार ही फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी. अब भाई टोटल किया है तो उसको थोड़ा हाईलाइट कर देते, ऑल्ट एच बी एंड यू, सिंगल ऊपर नीचे डबल. ये सब शॉर्टकट्स बहुत इजी है, मल्टीपल टाइम आप यूज करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, ऑल्ट एच लगा के सर्च करोगे, यू विल लर्न इट डे बाय डे. तो ये मेरे पास अब फॉर्मूलेज आ गए. अब मुझे ये जो डेटा है किसी को भेजना है बट मुझे फॉर्मूले नहीं देंगे. हाँ मैंने 3 ही फॉर्मूले लगाए हैं, हमारी शीट्स में बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं. तो मैं क्या करूंगी, आई एम अगेन प्लेइंग विद कंट्रोल शिफ्ट एंड एरो कीज टू मेक श्योर यू आर डूइंग दैट. कंट्रोल सी कॉपी किया, अब मुझे यहीं पे पेस्ट करना है. जब मैं क्लाइंट को शेयर करती हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगी अभी कि हम क्या करेंगे. यहाँ गए कंट्रोल ऑल्ट वी. कंट्रोल ऑल्ट वी इज द शॉर्टकट फॉर पेस्ट स्पेशल. कंट्रोल ऑल्ट वी भी होता है, ऑल्ट ई एस भी होता है, आप दोनों नोट कर सकते हो, जो आपको ईजी लगे यूज करना आप यूज करो. मुझे कंट्रोल ऑल्ट वी लगता है, मैंने कंट्रोल ऑल्ट वी किया तो मेरा पेस्ट स्पेशल का एक पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन होके आया है. इस डायलॉग बॉक्स में बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए बट अभी हम कुछ पर्टिकुलर एरियाज पे फोकस करें. मुझे अब इसकी वैल्यूज चाहिए. आपको थोड़ा सा फर्क समझना पड़ेगा, व्हाट इज वैल्यूज, व्हाट इज ऑल, व्हाट इज फॉर्मूलाज, व्हाट इज फॉर्मेट्स.
वैल्यूज जब मैं कहती हूँ ना, वैल्यूज का मतलब ये है कि जो आपने लिखा हुआ है ना, सिर्फ मुझे वो चाहिए, उसके बैकग्राउंड वर्किंग क्या है वो नहीं चाहिए, तो मुझे वैल्यूज चाहिए। यहाँ वैल्यूज के नीचे वी के नीचे अंडर स्कोर है, जिस भी अल्फाबेट के नीचे अंडर स्कोर है वो मेरा शॉर्टकट की है, जस्ट प्रेस वी, ऑटोमेटिकली वहां आ गया एंड एंटर। सो वॉट इट हैज डन, इट हैज गिवन मी द वैल्यूज ओनली, बट वॉट ब्लंडर आई डिड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज अ डायनेमिक डेटा, ये जितनी बार करूंगी उतनी बार चेंज होता चला जाएगा, तो मुझे यहाँ पे भी पहले पेस्ट स्पेशल यूज करना चाहिए था। मैंने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट किया विदाउट समेशन, कंट्रोल सी, मल्टीपल सिलेक्शन थे वहां पे, उसने मना कर दिया मैं आपका काम नहीं करूंगा, कंट्रोल सी ऑल्ट ई एस वी, तो अब ये फिक्स्ड हो गया, मेरा यहाँ पे डेटा फिक्स्ड है, ये उसके टोटल्स। अब अगर हम इसको यहाँ पे फिर से डिलीट कर देते हैं, अब मैं इस डेटा को यहाँ पे कॉपी किया और मैंने यहाँ कंट्रोल ऑल्ट वी कर दिया, सिर्फ वो वैल्यूज को पेस्ट करेगा। अब आप नीचे यहाँ आके देखोगे इट इज 2256, वेयर एज यहाँ पे क्या है, इट्स अ फॉर्मूला, राइट। तो मेरी क्लाइंट के पास जो डेटा जाएगा वो सिर्फ नंबर्स जाएंगे, फिगर्स जाएंगे, उसे कोई लिंकिंग नहीं समझ में आएगी कि भाई मैंने कौन सा ट्रायल लिंक किया, कौन सा पीएनएल लिंक किया, किस तरीके से काम किया, दिस थिंग। इसके अलावा पे स्पेशल एक और चीज करता है, विच इज जैसे हम यहीं से एक डेटा कॉपी करते हैं, इतना डेटा मैं कॉपी कर रही हूँ और मैं यहाँ शीट 5 पे लेके गई, मैंने यहाँ आगे से पेस्ट कर दिया, ये मेरा एक इनपुट था। अभी जो मैं डेटा एनालिसिस कर रही थी वो मैं ऐसे कर रही थी, ए ने आईटीआर में क्या किया, इट वाज गोइंग रो वाइज। अब मेरा एनालिसिस करने का प्रोसेस चेंज हो गया, अब मुझे इसे कॉलम वाइज करना है, तो क्या मैं एक एक को ऐसे ले जाके कॉपी पेस्ट करूंगी, इसको ले जाके यहाँ डालूंगी, इसको ले जाके यहाँ डालूंगी एंड देन आई शिफ्ट दिस डेटा, नो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, राइट। सो वॉट पे स्पेशल हेल्प्स मी इन दैट, इट हेल्प मी इन कन्वर्टिंग माई वर्टिकल डेटा इन टू अ हॉरिजॉन्टल डेटा। Select this, copy, wait, selecting this, copy, मैं यहां आई, मुझे यहां आके उसे paste करना है, control alt v, अब मुझे क्या करना है, इसको vertical से horizontal में convert करना है, through the command is transpose, so what I'll say, e, यहां e के नीचे underscore था, I pressed on transpose and okay, just at a click, I got this thing. If clear, transpose for converting your data from vertical to horizontal. Hearing my point? Pay special में अभी भी बहुत कुछ चीजें हैं जो कि और भी better helpful है, but अभी I think this is enough to get the pay special चीज को digest करने के लिए। Pay special से भी आप wonders and magics कर सकते हैं, right? ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। एक तरीके से देखा जाए, सो वी हैव डन लॉट ऑफ शॉर्टकट्स टिल नाउ, वी हैव कंप्लीटेड विद ऑल द एबीसीडी शॉर्टकट्स एक्सेल। अब इसके बाद हम थोड़ा सा कलर्स से भी खेलेंगे, बहुत देर हो गई, हम बड़ा डैम से एरिया पे काम कर रहे हैं, सो व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल प्ले विद सम ऑफ द कलर्स एज वेल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आई बिलीव आप सबने सुना होगा अबाउट द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एक्सेल का ये बहुत ही अच्छा टूल है, आई रियली लव दिस टूल, इट हेल्प्स इन अ लॉट ऑफ वेज, I'll show you how. अब मैंने ये वाला कॉलम सिलेक्ट किया, Alt H and L. This is the shortcut for conditional formatting. Do remember it. What is the shortcut for conditional formatting? Alt H and L. Multiple rules हैं यहाँ आपके पास, आपको कौन सा rule लगाना है जिसके basis पे आपको काम करना है। So पहला rule लेते हैं हम, highlight cell rules. Greater than, less than, आपको between के numbers चाहिए, कोई specific number चाहिए, या कोई टेक्स्ट है जिसमें कुछ स्पेसिफिकली आ रहा है, या कोई डेट के ऊपर लगाना है, डुप्लीकेट वैल्यूज लगाने। अभी हम थोड़ा सिंपल इसमें यहाँ देखते हैं, जैसे बहुत बारी होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे बहुत बारी अपने डिपार्टमेंट से एनालिसिस मिलता है या अपनी क्लाइंट से एनालिसिस मिलता है, बट प्लीज गो थ्रू आर डेटर रिकंसिलेशन और प्लीज चेक आर डेटर लेजर्स एंड प्लीज टू लेटर्स नो कि विथ होम डेटर्स वी आर डूइंग द मैक्सिमम बिजनेस और द मिनिमम बिजनेस और इट इज एवरेज काइंड ऑफ बिजनेस। मेरे पास सिर्फ एक डेटा डंप आया, मैंने उनका जो पूरा डेटर्स का जो मेन ग्रुप है उस ग्रुप से एक डेटा निकाला, हर डेटर के पूरे साल में कितना मैंने टर्न ओवर किया,
अगर मेरी कंपनी के 50 डेटर्स भी है ना, आई एम टेकिंग अ वेरी लेस नंबर, 50 डेटर्स भी है ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्जैक्ट टॉप 10 की फिगर्स मुझे देना वहां पे कि टॉप 10 कौन है. इसके लिए क्या होते हैं आपके टॉप एंड बॉटम रूल्स. मुझे टॉप 10 आइटम्स को देखना है. जस्ट सेइंग टॉप 10 आइटम्स, इट इज आस्किंग मी कितने आपको टॉप चाहिए. मैंने बोला 10, मैंने बोला 5, मैंने बोला 3, मैंने यहाँ बोला 5. कलर्स वो डिफाइन करता है आपको कौन से स्पेसिफिक कलर्स लेने. आप स्पेसिफिक कलर्स ले सकते हो जो प्री डिफाइंड है, आप कस्टम भी कर सकते हो द वे यू वॉन्ट टू गो अहेड. लेट्स टेक अ प्री डिफाइंड थिंग एंड आई एम सेइंग ओके. अब फिर ये तो भाई बड़ी बेवकूफी हो गई कि मैं अब ऐसे सर्च करूंगी, मैं तो नहीं करने वाली. उसके 25,000 अगर डेटर्स हुए तो मैं तो इसी में लगी रहूंगी, अब कहाँ जाके उसने ग्रीन किया. नाउ वी विल अप्लाई अनदर थिंग. सो आई डिड कंडीशनल फॉर्मेटिंग. अभी मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का छोटा सा ग्लिम्स दिया है. हम साथ ही साथ जाते हैं फिल्टर्स पे. हम दोनों को कंबाइन करके यहाँ सीखते हैं. ऑल्ट 80 शॉर्टकट फॉर फिल्टर्स. अगर आपका डेटा प्रॉपर है, रेगुलर है, इसमें कोई एरर नहीं है, शॉर्टकट इज ऑल्ट 80. फिल्टर लग गया. राइट एरो की से मैं चार्जेस पे आई. ऑल्ट डाउन एरो की अगेन आई एम मेकिंग यू रिमेम्बर, प्लीज याद रखना इस शॉर्टकट की. और ये हर जगह चलता है, इट्स नॉट इन एक्सेल. आप ऑनलाइन जाके फॉर्म्स भरते हो, कहीं पे भी जाते हो, किसी भी ड्रॉप डाउन को खोलने का शॉर्टकट होता है ऑल्ट डाउन एरो की. अब यहाँ जाके मैंने यहाँ इसको बोला फिल्टर बाय कलर्स. मैंने ये फिल्टर कलर डाला है, सेल कलर एंड फॉन्ट कलर, दो तरीके के कलर है उसके पास. मैंने बोला ये सेल कलर, तो इसने मुझे ये दिखा, दिस इज द एरिया विच यू हैव कलर्ड एंड दीज आर माई टॉप कस्टमर्स. तो ये टॉप कस्टमर्स सारे कस्टमर्स की मेरी 10,000 की सेल है. गेटिंग माई पॉइंट. सीधा सीधा दो शॉर्टकट्स लगाए मैंने और मुझे यहाँ से मिल गए वो. इसको मैं चाहूँ तो डायरेक्टली फिल्टर्स के थ्रू भी कर सकती हूँ. ये एडवांस वर्जन ऑफ फिल्टर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में ही है. ये ऑप्शन वेर यू गिव यू वेर इट गिव्स यू द नंबर फिल्टर्स ऑप्शन ऑल्सो. नंबर फिल्टर ऑप्शंस में जाके नहीं, ये आपका हर जगह होता है. तो मुझे चाहिए था यहाँ टॉप 10, तो यहाँ से भी आके मैं सीधा टॉप 10 करूंगी, तो मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने की जरूरत नहीं है. आई कैन डू इट डायरेक्टली थ्रू फिल्टर्स ऑल्सो. अब उसी तरीके से अभी जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में किया, लेट्स सपोज अब मैं इस वाली पे आती हूँ और मुझे ये देखना है ऑल्ट एच एल. ओके, हाईलाइट सेल रूल्स, ये तो ग्रेटर देन है इक्वल टू डेट अकरिंग अ फाइंड फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन्स अ डेट अकरिंग व्हेन यस्टरडे टुडे टुमारो लास्ट 7 days लास्ट वीक लास्ट मंथ. इसमें आई थिंक मेरा कोई भी क्राइटेरिया फॉल नहीं हुआ क्योंकि जो मैंने ये जो डेटा बनाया हुआ है, ये डेटा बनाया है आपका 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का. तो ये यहाँ पे फॉल नहीं होगा, तो इसमें कोई भी सेल हाईलाइट नहीं होगा. तो मैं अगर यहाँ जाती हूँ तो अगर मैं यहाँ पे इसको डेटा बार्स देती हूँ, डेटा बार्स ये बहुत बड़ा डेटा है, आपको इतना नहीं कुछ इम्पैक्ट लगेगा. जब मेरे लेट सपोज जो आउटपुट है वो 10-15 है, कोई भी 10 आइटम ले लिए मैंने और उन 10 आइटम का सेल्स फिगर है, उस फिगर में कि ये ABCD अगर जैसे मैं सिर्फ इतना डेटा लूं, अगर आप यहां आके देखोगे, लेट सपोज ये उनके 2 साल का पूरा काम है, मुझे ये समझ में आएगा सीधा डेटा सेल्स को देखकर इनका कलर्स और इन्होंने जिस हिसाब से इस पे विड दिया है कि सबसे ज्यादा किसने कमाया, उससे कम किसने कमाया, उससे कम किसने कमाया. सी आई बिलीव यू पीपल विल अंडरस्टैंड, नंबर्स का एनालिसिस करना हमेशा टफ होता है एज कंपेयर टू फिगर्स का एनालिसिस करना. जब हम किसी भी मैनेजमेंट मीटिंग में बैठते हैं या हम प्रेजेंटेशंस पे बैठते हैं, यू मस्ट हैव सीन हमारी सारी प्रेजेंटेशंस जो होती हैं, जो भी हमारा बेसिक डेटा होता है हम उसको चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? The logic is it is very easy to absorb the pictures in your eyes and remember that data. वो आपको हमेशा याद रहेगा, numbers याद नहीं रहते. तो आप यहाँ सीधा अपने data के अंदर भी ये pictorial representation है जो आप कर सकते हो through conditional formatting. इसी को आप ऐसे भी change कर सकते हो, मुझे color scales नहीं चाहिए data
डेटा बार्स में एक तरफ से कलर आता है, कलर स्केल्स में ना आपके दोनों तरफ से कलर्स आते हैं, बहुत ही मर्जअप हो जाता है, आई डोंट प्रेफर यूजिंग इट। आइकन सेट्स ये रेयरली हम यूज करते हैं, इसी के साथ मुझे अगर ये ऐड करना है, ये आप देखोगे साथ साथ आपको दिख भी रहा है। डाउन एरो जहां मेरी फिगर्स डाउनवर्ड है, इट्स अ हॉरिजॉन्टल एरो व्हेन इट्स एन एवरेज, देन स्लांट अपवर्ड्स एंड देन पूरा अपवर्ड कि ये हाईएस्ट है। ये वाले एरोस मेरे पास एक क्लाइंट से डेटा आता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो मुझे ये एरो कहाँ बना के देता है, वो ये एरोस मुझे बना के देता है जब वो बात करते हैं करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज की कंपेयर्ड विद द लास्ट ईयर थिंग्स, तो वो मुझे डेटा में ये एरोस बना के देता है, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है जज करना, अच्छा करंट एसेट्स मेरे इतने बढ़ गए, मेरी करंट लाइबिलिटीज इतनी बढ़ गई, सीधा सीधा मुझे पता चल जाता है, मुझे बैठ के फॉर्मुलेज नहीं लगाने पड़ते या रेशियो एनालिसिस नहीं करना पड़ता। गेटिंग ओके, सो इसमें एक और ऑप्शन होता है आपके, अभी तक तो मैंने आपको जितने बताए यहाँ ये प्री डिफाइंड थे, इसमें एक जो मुझे सबसे अच्छा रूल लगता है ना वो लगता है आपका हाईलाइट सेल रूल्स में डुप्लीकेट वैल्यूज, यहाँ अगर मैं करूंगी ना तो यहाँ मल्टीपल डुप्लीकेट्स हैं, अगर हम इसमें लगा के देखें कितने आते हैं हाईलाइट सेल रूल्स एंड डुप्लीकेट वैल्यूज, तो यहाँ देखो बहुत सारे हैं, सो दैट इज वाई वॉज नॉट ऑफ द ओपिनियन कि मैं इसको यहाँ लगाऊं, बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं डुप्लीकेट सेल वैल्यूज कब लगाती हूँ, ये क्या करता है आपके डेटा सेट में आप जिस भी पर्टिकुलर सेल पे डुप्लीकेट वैल्यूज का फॉर्मूला लगा रहे हो, ये वो सारे सेल्स हाईलाइट कर देता है जो डुप्लीकेट है, मतलब डबल एंट्री हो गई है। अगर मैं ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन का काम करती हूँ, बहुत मैंडेटरी है वहां पे मुझे डेटा सेट को ठीक करना, होता क्या है क्लाइंट से मैंने डेटा एक्सपोर्ट कराया, अगर ये बहुत कॉमन आपने देखा होगा, अगर किसी की क्लाइंट है एबीसी एंटरप्राइजेस, अगर वहां चार अकाउंटेंट है, एक अकाउंटेंट एंटर करेगा एबीसी डॉट एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस की भी चार तरीके की स्पेलिंग बन सकती है, एक लिखेगा ए डॉट बी डॉट सी, एक लिखेगा खाली एबीसी, तो उसने एक ही डेटर के या मेरा क्रेडिटर है तो उसके चार लेजर्स क्रिएट कर दिए, राइट, चार लेजर्स क्रिएट करने से अब वो वहां पे कुछ तो जो उसका जीएसटी नंबर होगा, राइट, जीएसटी नंबर तो सेम होगा, चारों एंट्रीज में सेम जीएसटी नंबर मेरे पास आ रहा है, अगर मैं वहां जाके सीधा हाईलाइट ड्यूप्लीकेट सेल्स का रूल लगाती हूँ तो वो मेरे चारों हाईलाइट हो जाते हैं कि ये चारों कॉमन है, और उसके बाद अब ऑब्वियसली कोई एंट्री होगी आपकी रो नंबर 5 में, फिर कोई एंट्री है रो नंबर 100 में, तो यहाँ फिल्टर्स में जाके जैसे अभी हमने पहले किया था फिल्टर बाय कलर एंड शो मी दिस पर्टिकुलर फिल्टर, तो वो ये सारे दिखा देता है। अभी यहाँ पे भी अब ये ना यही चीज थोड़ी सी मुश्किल लगती है मुझे एक्सेल में जब भी पढ़ाती हूँ, चीजें ना बड़ी इंटर रिलेटेड है, मैं इस कमांड को भी और आगे लेके जा सकती हूँ। अभी मैंने क्या किया कि सिर्फ मुझे वो दिखाओ जो कि ड्यूप्लीकेट थे, उसने ये वो वाले मुझे हाईलाइट करके बता दिए। राइट, ये से मुझे हाईलाइट करके बता दिए। अब मुझे पर ये फिगर्स ना साथ साथ नहीं आ रही, जैसे 31-12-20 है, नीचे कहाँ है 31-12-20, भाई वो मुझे फिर ढूंढनी पड़ेगी कि डुप्लीकेट एग्जैक्टली है कहाँ। आप अगर इस डेटा में जाएंगे ना, मैं इस डेटा में गई और यहां जाके सॉर्टिंग, जो आप सॉर्टिंग करते हो वो सिंपल है, दिस इज द एडवांस लेवल ऑफ सॉर्टिंग, इसमें आपको ना सॉर्टिंग के वो मल्टीपल ऑप्शंस देता है, अभी हम सिंगल लेवल लगा रहे हैं। आई एम गोइंग टू सॉर्ट बाय कॉलम सी एंड आई एम सेइंग सेल वैल्यूज, अब इतना तो आपको समझ में आ गया, नंबर्स आर वैल्यूज, वो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। तो देखो अब आपको ना अपने डेटा में ना एक फर्क समझ में आ रहा होगा, 3-4-3-4, 4 अप्रैल 4 अप्रैल, तो ऑल द डेटा विद सेम डेट आर टुगेदर। अब मैं निकाल सकती हूँ कि इसमें से डुप्लीकेट्स क्या है, नाउ इट्स इजी फॉर मी टू वर्क ऑन द डुप्लीकेट्स, जो डुप्लीकेट फिगर होगी आई कैन रिमूव देम, राइट। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, ये मैंने थोड़ा मिक्स कर दिया जस्ट टू एक्सप्लेन यू दैट कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कैसे होता है, हम यहाँ पे सिर्फ थियोरिटिकल नहीं लेके बैठे। तो अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर रही हूँ, ये सारी चीजें मैं यहाँ से हटा रही हूँ, ओके, यू हैव डन दिस,
उसके बाद अगर आप देखोगे हाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर हम इसे देखना है हाईलाइट सेल रूल्स वेरी इजी टू ऑब्जॉर्व एंड डू यू ऑल पीपल कैन डू इट. आपको परसेंटेज वाइज देखने हैं बॉटम 10 अबव एवरेज ये डेटा बास. फिर अगर आपको न्यू रूल लगाना है न्यू रूल लगाने का भी हाँ इसमें ऑप्शन आता है. जैसे मैंने ये वाला चार्जेस वाला कॉलम सिलेक्ट किया एंड आई एम गोइंग आई एम सेइंग प्लीज अप्लाई अ न्यू रूल. अभी जो आपने ऊपर पढ़े जितने भी कंडीशन फॉर्मेटिंग के रूल्स थे वो सारे प्री डिफाइंड रूल्स थे. अब मुझे अपना रूल देना है कि आप मेरे रूल के अकॉर्डिंग मुझे कुछ करके दो. आपके पास ऑप्शंस होते हैं यू वांट टू फॉर्मेट टू कलर स्केल और अ थ्री कलर स्केल द वे यू वांट टू डू. लेट्स सपोज आई एम गोइंग फॉर टू कलर स्केल ओनली. अब मुझे कुछ नंबर्स के पार्टीशन देने हैं. एग्जैक्टली मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि मैंने इस डेटा में क्या नंबर के पार्टीशन दिए थे. मैं नंबर लेती दोनों नंबर लिया कि भाई जिसकी वैल्यू 5000 है मिनिमम और इधर मैंने ले लिया 10000. तो ये डार्क से ऐसे रेड होता चला जाएगा. जितना 5000 से नीचे होगा वो उतना डार्क है. जैसे जैसे आप 5000 अप्रोच करोगे वो लाइटर होता चला जाएगा और उसके बाद 10000 आते आते वो बिल्कुल लाइट हो जाएगा. इफ यू वॉन्ट टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स विद योर डेटा बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बहुत ज्यादा यूज आपकी प्रेजेंटेशन में होता है जब आपको डेटा प्रेजेंट करना है फॉर रिपोर्टिंग पर्पस. सो थ्रू कलर्स यू कैन इजिली एक्सप्लेन कि ये मेरा डेटा मुझे ऐसे ऐसे वर्क करना है राइट. इसमें एक दूसरा ऑप्शन ये होता है अब आपने रूल्स लगा दिया मल्टीपल रूल्स लगा सकते हो. फिर आपका क्लियर रूल्स होता है. अगर आपको कोई जो रूल आपने लगाया है आपको हटाना है आपको सिलेक्टेड सेल्स में से हटाना है या एंटायर शीट में से हटाना है दैट्स अप टू यू. I'm saying from entire sheet. तो जितने मैंने rules लगाए होंगे वो मेरे सारे यहाँ से हट जाएंगे. I hope making myself clear till now, right? अभी अगर हम थोड़ा सा pivots को इसको filters को देखते हैं. What exactly is the filter thing? Filter लगाने का shortcut मैंने भी आपको बताया था Alt AT, right? Alt 80 लगाते I was able to apply my filters. ये हमने फिर शॉर्टकट किया डाउन आरो. आपको फिल्टर्स में ये यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है सॉर्टिंग का. अगर आपको सॉर्ट करना है जैसे मुझे यहाँ सॉर्ट करना है और मुझे यहाँ A to Z में कर देती हूँ तो पहले सारे A वाले प्राणी ने जितना काम किया वो दिखाई देगा. फिर B प्राणी ने जितना काम किया मुझे वो दिखाई देगा. फिर C ने फिर D ने A ने बड़ा काम किया है B आ गया ऐसे C आएगा ऐसे D आएगा राइट. अब मैं ऑल्ट ए सी करूंगी तो अब ये बड़ी गड़बड़ होती है फिल्टर्स में. ये चीजें हमें सीखनी है. जैसे मैंने ऑल्ट ए सी किया और मैंने फिल्टर हटाया इसने क्या किया अभी भी मुझे ये दिखा रहा है व्हाई आई एम नॉट रीचिंग बैक टू माय ओरिजिनल सिचुएशन जो मेरा ओरिजिनल डेटा था. सो व्हाट द एक्सेल हैज डन इट हैज हिट माय ओरिजिनल डेटा व्हिच आई नेवर वांटेड टू बी डन. व्हाट आई विल डू वे ऑफ डूइंग इट. आप जब भी अपने डेटा डंप पे काम करेंगे अगर उसमें कोई यूनिक नंबर नहीं है जो कि सीरियल वाइज चल रहा है. मैंने कॉलम सिलेक्ट किया शॉर्टकट बता चुकी हूँ कंट्रोल स्पेस एंड आई एम एडिंग वन कॉलम टू इट एंड आई एम एडिंग सीरियल नंबर का यहाँ पे 1 2. उसके बाद ये एक और शॉर्टकट बता रही हूँ मैंने ऐसे सिलेक्ट किया तीन नंबर्स. ये वाला डॉट दिख रहा है आपको ये छोटा सा जो ये स्क्वायर सा डॉट है अगर मैं इस पर बस डबल क्लिक कर दूंगी ना ऑटोमेटिकली जहां तक मेरा डेटा है ये वहां की नंबरिंग ले लेगा खुद से. मुझे कुछ ड्रैग नहीं करना मुझे 1500 तक ऐसे खींच के नहीं लाना. अगेन आई एम गोइंग अप. अब मैं क्या करूंगी मैंने ऑल्ट 80 करके मैं एक बार फिर से हटा रही हूँ मेरा जो फिल्टर लगा हुआ था मैंने दोबारा ऑल्ट 80 लगाया. अब दोबारा जब फिल्टर लगाऊंगी तो मेरा जो नया सेल था नया कॉलम था उसके ऊपर भी फिल्टर लग के आ गया राइट. अब मैं फिर से वही सेम फॉर्मूला लगाती हूँ सॉर्ट ए टू जेड हुआ मेरा डेटा जैसे सॉर्ट करना था इसने मुझे सॉर्ट कर दिया. मैंने ऑल्ट ए सी किया क्लियर किया अपना सॉर्टिंग बट अब मेरे पास सोल्यूशन है अपने डेटा को वापस ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके जाने का. मैं इस पे जाके क्या करूंगी सीरियल नंबर पे जाके दोबारा फिल्टर लगा दिया सॉर्ट इन द टर्म्स ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. सो माई डेटा इज अगेन बैक इन माई ओरिजिनल थिंग एंड अगेन आई विल डू ऑल्ट ए सी my data returns to my original situation. So these are nothing just smart tricks to keep your data proper because you cannot
work upon by data being hit upon the original data which was given to you. अभी जैसे हमने जो इसमें sorting किया, अब इसको हम और advance करेंगे. हमने जो sorting किया, हमने sorting किया कि पहले मुझे A का काम दिखाओ, फिर B का काम दिखाओ. अब मुझे A का भी काम देखना है, फिर मुझे ये भी देखना है कि उसने ITR का कितने दिन किया, GST का कितने दिन किया, वो भी मुझे grouping में चाहिए. हम खाली फिल्टर से करके देखते हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं. मैंने यहाँ किया सॉर्ट ए टू जेड और यहाँ फिर से मैंने सॉर्टिंग लगाई ए टू जेड. तो देखो अब क्या हो रहा है. जब मैंने यहाँ सॉर्टिंग लगाई ए टू जेड तो उसने सेकंड वाली कमांड ने फर्स्ट वाली कमांड को ओवर रूल कर दिया. इट वॉज नॉट एबल टू डू कि मेरी पहली वाली कमांड भी मेंटेन रहती और ये सेकंड वाली कमांड भी चल गई. इसका तो मुझे सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा भाई, मुझे पहले ए वाला चाहिए. तो व्हाट आई डू, आई एम डूइंग कंट्रोल जेड गोइंग बैक राइट. अब यहां मेरा जो सॉर्टिंग है फिल्टर ने जो मुझे सॉर्टिंग के ऑप्शन दिए मेरा इनसे काम नहीं चलेगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू गो अहेड विद एडवांस्ड सॉर्टिंग. आई सिलेक्ट माय डेटा, मैं यहां डेटा में गई, यहां मैं एडवांस सॉर्टिंग में गई. अब हम मल्टीपल लेवल की सॉर्टिंग लगाएंगे यहां पे. तो फर्स्ट इज फर्स्ट सॉर्टिंग लेवल मुझे किस पे लगाना है, नेम ऑफ एम्प्लॉय पे, सेल वैल्यूज जो भी है उसके अंदर, सेल में अंदर जो डेटा है. कोई कलर्स के बेसिस पे फिल्टरिंग नहीं है, ना फॉन्ट कलर है, ना सेल कलर है, ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग है. मैंने सेल वैल्यूज लगाए ए टू जेड. अब मेरे को एक और लेवल ऑफ सॉर्टिंग करनी है कि आप पहले एम्प्लॉय देखो और उसके बाद ये बताओ उसने कौन सा काम किया, वो भी मुझे सॉर्टेड चाहिए. सो आई विल ऐड वन मोर लेवल ऑफ सॉर्टिंग देन बाय नॉर्मल इंग्लिश. उसके बाद कैसे करना है मुझे सॉर्टिंग, काइंड ऑफ सर्विस, अगेन सेल वैल्यूज की भाई सेल वैल्यूज पे बहुत जेड टू ए या ए टू जेड जैसे मर्जी करना, दैट वुड बी टेकन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. जनरली वी प्रेफर ए टू जेड एंड ओके. नाउ सी द डिफरेंस. अब सिर्फ ए का डेटा आ रहा है, ए का कंसल्टेंसी, ए का आई टी आर, ए का टी डी एस एंड सिमिलरली इट्स चेंजिंग राइट. गेटिंग माई पॉइंट. So this is the multiple level of sorting, advanced sorting that I've applied. अब इसमें एक चीज और होती है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ. आप इसको चेंज भी कर सकते हैं. अब मुझे उल्टा देखना है, पहले मुझे देखना है कंसल्टेंसी किस किस ने की, फिर किस किस एम्प्लॉयज ने की, फिर आई टी आर किस किस एम्प्लॉयज ने किया, फिर जीएसटी किस किस एम्प्लॉयज ने किया. सो मैं यहां गई और ये एरो कीज होती है, आई कैन मूव माय रूल. मैंने इस मूव को रूल किया तो नाउ व्हाट इज दिस, सॉर्ट बाय कंसल्टेंसी एंड देन बाय नेम ऑफ एम्प्लॉयर एंड आई डिड ओके, इट चेंजेस. तो अगर अभी आप देखोगे अब कंसल्टेंसी चल रहा है बट अब पहले सी आ गया, उसके बाद बी आएगा, डी आएगा. ए के बाद सी डायरेक्टली इसलिए आया क्योंकि बी ने कंसल्टेंसी का काम किया ही नहीं था राइट. सो दिस इज योर एडवांस सॉर्टिंग. हम यहाँ पे कंट्रोल सेट करते हैं, हम दोबारा यहाँ आते हैं. फिल्टर्स में आपके पास बेसिकली यही ऑप्शन है, ए टू जेड आपको सॉर्टिंग करनी है, बट दिस इज बेसिक सॉर्टिंग विच फिल्टर्स कैन प्रोवाइड. एडवांस सॉर्टिंग करनी है तो आपको डेटा में जाके एडवांस सॉर्टिंग के ऑप्शन देखने हैं. देन इफ यू वॉन्ट टू डू कलर बाय सॉर्ट बाय कलर, अगर आपके डेटा में आपने कलर्स डाले हुए, जैसे अभी हमने किया था डुप्लीकेट सेल वैल्यूज, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देर आर मेनी वेज थ्रू विच यू आर इंसर्टिंग कलर्स इन योर डेटा इफ यू वॉन्ट टू सॉर्ट बाय कलर्स. उसके बाद आपके यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर्स होते हैं. टेक्स्ट फिल्टर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डील कर रही हूँ अपने क्लाइंट के वेंडर्स का डेटा देख रही हूँ, तो क्लाइंट ने जस्ट मुझे एक एग्जाम्पल दे दिया कि उसका नाम ना एबीसी करके शुरू होता है. अब ही वॉज नॉट श्योर अबाउट द कम्प्लीट नेम. मैं उसके एबीसी एंटरप्राइजेस करके या एबीसी वेंडर्स, एबीसी कंपनी, 10 वेंडर्स है, तो मुझे सिर्फ एबीसी का डेटा देखना है. तो टेक्स्ट फिल्टर्स कंटेन्स एबीसी, भाई मेरे डेटा में तो था ही नहीं तो मुझे दिखाया नहीं, तो अगर होता तो वो मुझे दिखा देता. तो दिस इज अ काइंड ऑफ टेक्स्ट फिल्टर्स जो यहाँ मुझे अलग अलग चीजें देते हैं कि इक्वल्स को या आपको स्पेसिफिक चाहिए या उसमें ये नहीं चाहिए, मुझे पास फेल का डेटा देखना है, या लेट्स सपोज मैं बोलती हूँ डज नॉट इक्वल सी, सी का डेटा नहीं दिखाओ. एंड की कमांड लगा रही हूँ. एक्सेल में ये हमेशा रूल याद रखना, एंड और एंड का मतलब होता है
राम और श्याम स्कूल जाते हैं, और का मतलब है राम या श्याम स्कूल जाता है, तो एंड में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और में सिर्फ सिंगल कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। तो जब मैं बोलती हूँ एंड, दोबारा मैंने सेम रूल दिया, यू हैव एन ऑप्शन टू अप्लाई एनी रूल, डज नॉट इक्वल डी एंड ओके। सो ये मुझे कौन सा डेटा दिखा रहा है, ए बी ई एफ, बस इसके अलावा ये मुझे कोई भी डेटा नहीं दिखा रहा है, राइट? सो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग दैट फिल्टर्स हेल्प मी। यहां मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है, यहाँ एक और शॉर्टकट होता है, यहाँ आप देखोगे इसे, इसमें हमने ज्यादा डेटा लिखा है। जब यहाँ आके मैं सर्च पे आती हूँ तो मैं जैसे सिर्फ सी ओ एन लिखती हूँ तो देखो वो शॉर्ट कर देता है नीचे कि भाई सिर्फ ये एक ऑप्शन है जो आपकी सर्च से मैच करता है, तो ये मुझे ये दिखाएगा। तो मैं सीधा ओके करूंगी तो सिर्फ मुझे कंसल्टेंसी का डेटा दिखाएगा, इट विल इट्स ईजिंग माई लाइफ, राइट? गेटिंग माई पॉइंट। दूसरा एक चीज और मैं हमेशा एड ऑन करूंगी, आप जब भी फिल्टर लगाते हो, मैंने जब अभी फिल्टर लगाया तो मैं डेटा के अंदर जाके खड़ी हुई थी और मैंने ऑल्ट ए टी की कमांड लगाई। जब मैं ऐसे फिल्टर की कमांड लगाती हूँ ना तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर आपकी फिल्टर की कमांड को लगा रहा है, पूरे उसको डायनामिक नहीं बना रहा है। व्हाई आई एम सेइंग सो, ऐसा भी तो हो सकता है आज मैंने 1500 रोज की एंट्री के ऊपर फिल्टर लगाया, कल किसी कारण से मेरी 500 से एंट्रीज और बढ़ गई, भाई कोई डेटा रह गया था और अब उसके अंदर 500 एंट्रीज और आ गई, मुझे 500 एडिशन करने हैं, अब मैं बार बार ही कोई ना जाके फिल्टर लगाऊंगी। और लेट्स सपोज भाई हर चीज पे आप काम नहीं करते हो, आपका जूनियर्स भी काम करते हैं, जूनियर्स नेवर अप्लाई देयर ब्रेन्स, दिस इज समथिंग आई हैव जनरली लर्न, नकल करते हैं बट अकल नहीं लगाते, अब फिल्टर पूरे पे नहीं लगाएंगे वो जाते, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग फिल्टर्स लाइक दिस कि आप डेटा में जाके ऑल्ट ए टी प्रेस कर रहे हो, आप यहां जाओ कॉलम, पूरा कॉलम कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल स्पेस से मैंने पूरा कॉलम सिलेक्ट किया, शिफ्ट राइट कर रही हूँ, अभी मैंने जो सिलेक्शन किया है ना वो पूरे कॉलम्स का किया है, कहां तक 10,48,576 रो तक, वहां तक मैंने सिलेक्शन मारा है, तो मैं वहां तक गई एंड देन आई एम अप्लाइंग ऑल्ट ए टी। अब जो मेरा इसके अंदर फिल्टर लगा है इट्स ऑन द होल डेटा, आप यहाँ पे डिफरेंस क्या देखोगे कि आपने होल डेटा पे लगाया, देखो ब्लैंक्स का भी ऑप्शन आने लग गया जो पहले नहीं आ रहा था, ब्लैंक्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 1500 रो के बाद जो मेरा डेटा है वो ब्लैंक है, आपको नहीं देखना, ब्लैंक पे अनचेक करो, ओके आपको यहां तक का डेटा दिखाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, यू आर मेकिंग योर फिल्टर्स डायनामिक, दिस इज नॉट अ स्टैटिक, आप फिर जो भी एनालिसिस करोगे हर एनालिसिस उस पर वर्केबल होगा, ओके? फिल्टर्स में तो बेसिकली यही है। एक चीज और करते करते यू लर्न फ्रॉम द प्रैक्टिकल थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, सो व्हाट द थिंग इज, आप फिल्टर्स में आपने कॉपी पेस्टिंग बहुत बारी किया होगा, शो यू हाउ आई शुड शो यू, लाइक जैसे अब मुझे यहाँ पे ये जीएसटी का डेटा है, मुझे ये कॉपी करके कहीं और लेके जाना है, राइट? मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसे कंट्रोल सी किया, अब मैं इसे यहाँ पे एक नई शीट में लेके गई, कंट्रोल बी, तो ये आपका जीएसटी का डेटा यहाँ आपका पेस्ट हो गया। बट ये बहुत बारी होता है, फिल्टर्स क्या करते हैं, अगर आपको ऑलरेडी डेटा इन एग्जिस्टेंस है और आप वहां से कोई डेटा उठा के इधर ला रहे हो तो जो आपका हिडन डेटा है वो उस वाले डेटा को भी कॉपी करके ले आता है, अगर आपके पास एमएस ऑफिस के पुराने वर्जन हैं तो। आपको मैं इसमें बताती हूँ आपको फिर कॉपी कैसे करना है, अभी आप देखोगे ना आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ये जब कॉपी कर रहा है ना ये आपको मल्टीपल लाइंस दिखाई दे रही है, तो इट इज कॉपिंग ओनली द विजिबल डेटा, अगर ये नहीं करता तो आप जब अपना डेटा सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करने के बाद एक शॉर्टकट की प्रेजेंट करनी है, ऑल्ट सेमी कॉलन, ये आपको बस प्रेस करना है, यू विल सी द डिफरेंस इन सिलेक्शन, ये लाइंस आ गई आपकी डार्कर लाइंस, तो ये अब सिर्फ आपका विजिबल डेटा ही कॉपी कर रहा है, कॉपी करने के बाद आपको सेम लाइंस नजर आ रही है, सो दिस इज एन एडवांस वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस 365 बाय डिफॉल्ट आपको वो सर्विस देता है, बट इफ आई गो फॉर द लोअर वर्जन बिलो 2003
वहां ये आपको डिफॉल्ट वर्जन नहीं देता है। तो वहां आपको सिर्फ अगर विजिबल डेटा को कॉपी करना है और उसके बेसिस पे काम करना है तो यू शुड ऑलवेज प्रेस ऑल्ट सेमी कॉलन बिफोर प्रेसिंग कंट्रोल सी। तो आप जो भी कॉपी करोगे सिर्फ वो विजिबल डेटा है वो कॉपी करके कहीं जाके पेस्ट होगा, आपका पूरा डेटा पेस्ट नहीं होगा। ये बहुत बार ही आप प्रॉब्लम्स शायद फेस करते होगे जब भी आप फिल्टर से कॉपी पेस्टिंग कर रहे हो, सो दिस विल नॉट हैपन अगेन, राइट। आई एम डूइंग ऑल्ट ए सी। गोइंग फॉरवर्ड नाउ थोड़ा सा हम पिवट्स करते हैं। पिवट्स कैसे इस तरह के डेटा के ऊपर लगाए जाते हैं सो दैट वी हैव नॉलेज ऑफ रिपोर्टिंग एज वेल, एंड पिवट्स शुड ऑलवेज बी अ काइंड ऑफ डायनामिक थिंग्स जो कि चीजें आपकी ईजी करें। पिवट से क्या होता है, अब दिस इज अ लॉन्ग रिपोर्ट, दिस इज ओनली ऑफ 1500 रोज, कोई बहुत ज्यादा लंबी रिपोर्ट होती नहीं है। बट अगर मेरी इससे लंबी रिपोर्ट्स हैं और मुझे एम्प्लॉई वाइज या सर्विस वाइज डेटा के आउटपुट देखने हैं तो मैं कैसे देखूंगी। अभी आज हम एक वर्जन कर रहे हैं दैट इज पिवट्स, उसका एक और नेक्स्ट वर्जन होता है स्लाइसर। स्लाइसर इज अ काइंड ऑफ अ वेरी डायनेमिक रिपोर्ट, डैशबोर्ड की तरह के आपका बन जाता है। स्लाइसर इज द नेक्स्ट वर्जन, आज हम पहले बेसिक वर्जन करते हैं दैट इज योर पिवट्स। पिवट्स की शॉर्ट फॉर्म ऑल्ट एन वी टी। जैसे आपने किया ऑल्ट एन वी टी शॉर्टकट, it went to this create pivot table. I'm going and selecting, I selected and I'm saying go to new worksheet and enter. अब आप यहां देखोगे, let's suppose मुझे सिर्फ employee wise data देखना है, मैं इसको name of employee row labels लेके गई and I want to see the total of charges. By default ये यहाँ पे sum ले रहा है, you have an option to change it. आप drop down पे गए, value field settings पे गए, सम चाहिए आपको, काउंट चाहिए, एवरेज चाहिए, मैक्स मिनिमम, जो भी चाहिए यू कैन चेंज। सो आई वांट सम, आई हैव टेकन दैट सम। इफ आई वांट काउंट, कि मुझे काउंट देखना है भाई उसने कितने असाइनमेंट्स किए, 225 किए, इसने 300 असाइनमेंट्स किए, इसने 225 किए, तो समहाउ द सेम फिगर्स आर कमिंग। इसके अलावा अब हम इसको क्या करते हैं, इसमें ना एक डेटा फिल्टर लगाते हैं, काइंड ऑफ सर्विस को हम यहाँ टॉप पे फिल्टर पे लेके आए। मैं इसको नीचे भी ला सकती थी, अगर मैं इसको यहाँ नीचे लाती हूँ तो ये सब बाइफर्केशन होता है कि ए ने कंसल्टेंसी आईटीआर टीडीएस का कितना किया, इसको हम रिमूव ऐसे मूव भी कर सकते हैं। काइंड ऑफ सर्विस के बाद आपका इंप्लॉइज में आपने कितना किया, ये यहाँ पे आपको इजिली विजिबल होता है। पहले इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग ठीक कर लेते हैं। आई पर्सनली डोंट लाइक दिस एज अ प्रॉपर फॉर्मेटिंग। प्रॉपर फॉर्मेटिंग करने का तरीका, जस्ट डू राइट क्लिक ऑन योर पिवट टेबल, then go to pivot table options, display and classic pivot table and okay. So this is a better version of seeing your data. इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं, मुझे इतने multiple subtotals नहीं चाहिए। जैसे ही आप pivot table के अंदर हो, आप pivot table analyze, एक मेन्यू बार आपके लिए ओपन होता है और दूसरा ओपन होता है आपके लिए डिजाइन। मैं यहाँ सब टोटल्स पे जाके डू नॉट शो सब टोटल, तो मुझे वो सब टोटल्स अब नहीं दिखा रहा है। अच्छा, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, एक्सेल ना बहुत ही अनस्मार्ट होता है इस चीज में। अब उसे ये कंसल्टेंसी और ये कंसल्टेंसी अलग इनपुट्स लगते हैं, राइट। तो इसने इनको अलग अलग ही वहां पे मेंशन किया है जो कि हमारे अलग नहीं है, राइट। आई थिंक समबडी हैज रेज्ड हैंड। हमने इसका प्रेजेंटेशन चेंज किया, अब मैं इसको यहाँ काइंड ऑफ सर्विस को यहाँ नहीं रखना चाहती, मैं इसको फिल्टर में रखना चाहती हूँ, इसके बेनिफिट्स। पहले हम यहाँ पे इसको वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाके हम इसको सम करते हैं एंड ओके। यहाँ जब मैं इसको डेटा का टॉप फिल्टर लेके आती हूँ, डेटा के टॉप फिल्टर में उसको लेके आती हूँ जिसकी मुझे रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है। अभी वो ऑल है, वो सारे डेटा दिखा रहा है। लेट्स सपोज आई जस्ट वांट टू सी जीएसटी डेटा, आई सिलेक्टेड जीएसटी एंड ओके। तो अब मुझे सिर्फ यहाँ पे जीएसटी का ही डेटा देखने को मिलेगा। सो दिस इज हाउ आई कैन मेक आउट मल्टीपल रिपोर्ट्स, कॉपी पेस्ट करके एंड आई कैन सेव इट फॉर माय क्लाइंट और फॉर माय एनालिसिस, राइट। यहाँ आपका नेम ऑफ एम्प्लॉय के आ गया और यहाँ सिर्फ ये आरओसी का टोटल है। तो अगर मुझे कोई पिवट कॉपी करना होता है
यहाँ ऐसे गई एंड आई कॉपीड इट, कॉपी एंड पेस्ट इट. सो इट्स अगेन एंड आई कैन मेक मल्टीपल चेंजेस नाउ. नाउ आई वांट टू सी ओनली फॉर आईटीआर. ये मेरी आईटीआर की रिपोर्ट चेंज जनरेट हो गई. अगेन कॉपी एंड पेस्ट. अब मुझे यहाँ पे देखनी है अपनी आरओसी आईटीआर एंड टीडीएस. सो सिमिलर डेटा वन पिवट टेबल जस्ट कॉपी पेस्टिंग. और मैंने यहाँ पे इसका मेजर आपका फिल्टर्स असाइन कर दिया. तो आई एम गेटिंग सर्विस वाइज आई कैन मेक चेंजेस इन दिस राइट. अब इसके अलावा क्या होता है, पिवट्स में आप बहुत सारे फंक्शंस कर सकते हो. तो इसके लिए हम थोड़ा सा अपने डेटा में अमेंडमेंट करते हैं. What I'll do, जो हमने यहाँ चार्जेस डाला इसको हम CGST, SGST, IGST and total. हमने ये ले लिया यहाँ पे. अभी देखो आप मैं फटाफट डेटा बनाऊंगी यहाँ पे. अब मैं यहाँ पे ये मान के चल रही हूँ कि GST और ITR I'm doing only for my interstate clients. Right now, this is the kind of way I am playing with my keys. मैं वहां से सीधा मैं D कॉलम पे जाके मैंने जंप किया क्योंकि D कॉलम पे मेरे पास डेटा है जंप करने के लिए. अब इधर आई H कॉलम पे आई, ये मेरा IGST का कॉलम है. कंट्रोल शिफ्ट अपवर्ड एरो की, तो यहाँ पे जाके सॉरी कंट्रोल शिफ्ट अपवर्ड एरो की एंड आई एम डूइंग कंट्रोल D. ये मेरा फटाफट यहाँ GST का डेटा जनरेट हो गया. अभी ये मैंने यहाँ पे किया था आपका ITR और GST के लिए. अब मैं उसके अलावा चीजें सिलेक्ट कर रही. यहाँ मेरा CGST, SGST आएगा. अभी देखो मैं आपको एक गड़बड़ दिखाऊंगी. आई बिलीव वो गड़बड़ होनी चाहिए यहाँ पे. Alt AC. Okay. This is Microsoft Office 365. So it has done it. मैंने क्या किया था यहाँ, गलती क्या की थी, मैंने यहाँ फिल्टर्स लगाए थे. पहले ITR और GST सिलेक्ट किया था और उसके बाद मैंने बाकी सर्विसेज सिलेक्ट की थी. जब मैंने ITR GST में यहाँ फॉर्मूला लगाया मैंने सीधा उसको कंट्रोल डी कर दिया था. बट सिंस इट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 तो इसने सारे सिर्फ विजिबल कॉलम्स में वो फॉर्मूला लगाया. बट अगर आप यही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बिलो 2003 पे करोगे तो वो सारे सेल्स के ऊपर वो फॉर्मूला लगा देगा. तो दिस इज अ कॉमन शॉर्टकट जो अभी हमने किया था, ऑल्ट सेमी कॉलम. ऑल्ट सेमी कॉलम से वो आपका सिलेक्शन का सिर्फ विजिबल पोर्शन पे ही काम करता है. तो तब आपको कंट्रोल डी भी लगाना है. तो फिल्टर करने के बाद आप उसके बाद सिलेक्ट करोगे अपना एरिया और ऑल्ट सेमी कॉलन को प्रेस करोगे एंड देन यू विल डू कंट्रोल डी राइट. सो आई हैव गॉट माय डेटा. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गोइंग टू माय पिवट शीट और आई विल अप्लाई न्यू पिवट्स ओवर हियर. ऑल्ट एनवीटी. आई एम डिफाइनिंग माय रेंज. एंटर. ओके. सो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, I'm going ahead with this thing, name of employees, and then I'm taking values as charges, CGST, SGST, and IGST. I've taken this. Okay. Now, what I want to do, यहाँ पे जो है ये आपको pivot एक option देता है. आप इसको ये एरो की आती है ना, ये वाले आप सिलेक्ट करके यू कैन मूव इट. यू कैन इफ यू वांट टू मूव इट्स लोकेशन. जो आप यहां से कर रहे हो आप यहां से भी कर सकते हो. ये आपका आता है, आप इसको यहां पे मूव करके लेके जा सकते हो. मैं आपको एक चीज और बताती हूँ यहाँ पे. उसके बाद ये आपकी वैल्यू फील्ड सेटिंग्स. If I want to change over here, I can change. The number is changed. Count लेना है आपको, sum लेना है, SGST लेना है. So this is how. और यहाँ पे जो हम पहले वहाँ change कर चुके, so that is the thing. You can move the data over here, which is a flexibility given by the pivots over here.
can be easily changed. Okay. This is the basics of the pivots that we are doing, how you can easily represent the report. And I believe this was a better report for you to represent, just copy and pasting. And you can represent that this is something that ROC mein kiya, ye humne ITR mein kiya, aur ye humne TDS mein kiya. Agar main yahan pe isko leke aaun. Okay, so it is giving me an issue over here. Hum is wali table mein jaate hain kyunki wahan pe multiple wo issue kyu aaya, kyunki wahan pe multiple pivots thi, wo main us pivot ko badha rahi thi, wo usko le nahi raha tha kyunki wo overlap kar raha hai. Jab maine yahan pe ye dala date of rendering of service, by default it has taken in terms of years, quarters. ये आपके by default यहाँ define होके आते हैं. अब मुझे यहाँ पे ये ऐसे चाहिए. I can see it year wise. I can see it quarter wise. Right? Okay. अब आगे चलेंगे. आज हम एक थोड़ा सा एक फॉर्मूले का भी कॉन्सेप्ट करेंगे. सो टुडे समहाउ आई हैव डिवाइस द क्लास इन सच अ मैनर कि हम थोड़ा थोड़ा सारी चीजों का फ्लेवर ले रहे हैं. हमें इफ कमांड के बारे में कितना पता है, जितना आई बिलीव आप लोगों ने सुना होगा कि इफ इज द मोस्ट टेक्निकल, वन ऑफ द मोस्ट हार्ड डिफिकल्ट कमांड टू ग्रास्प इन, राइट. इफ कमांड में इतना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू एरिया. तीन चार चीजें हैं उसके अंदर. नेस्टेड इफ उसका नेक्स्ट वर्जन है, वो हम साथ के साथ करेंगे. वेरी सिंपल, व्हाट इफ सेज दैट प्लीज प्रोवाइड मी अ कंडीशन. व्हाट इज योर कंडीशन? कंडीशन के बेस पे आप मुझे ये बताओ कि वैल्यू इफ ट्रू तो मुझे क्या आंसर देना है, वैल्यू इफ फॉल्स तो मुझे क्या आंसर देना है. जैसे हम इसी शीट पे चलते हैं. ओके, साथ के साथ ये, अब जैसे मुझे ये कॉलम्स नहीं चाहिए, मैंने इसे सिलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट एंड आई एम प्रेसिंग कंट्रोल जीरो. कंट्रोल जीरो इज द शॉर्टकट टू हाइड द कॉलम्स. सिमिलरली कंट्रोल नाइन इज द शॉर्टकट इफ यू वांट टू हाइड द रोज. ओके, अब मुझे यहाँ इफ कमांड लगानी है. मैं ये कह रही हूं यहाँ आई थिंक जो मेरे चार्जेस का रेंज है वो है 0 to 10,000, कि इतने मेरे चार्जेस हैं. अब जो मेरी इनकम यहाँ 75,000 से ऊपर है वो मेरी ए कैटेगरी इनकम है, और जो मेरी इनकम बिलो 5,000 है दैट इज माय बी कैटेगरी इनकम. मुझे यहाँ बस डिफाइन करना है व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी, सिंपल थिंग. तो इसमें एक कंडीशन है हमारी 5,000 से ऊपर, 5,000 से नीचे yes हुआ तो A, false हुआ तो B. So if I start typing if, right? आप जब भी एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे, सी एक्सेल में फॉर्मूला लगाना कभी कोई बहुत हार्ड टास्क नहीं होता है अगर आप उसके नीचे के ये इनपुट वैल्यूज को पढ़ना शुरू कर दो. फॉर्मूलाज कभी नहीं रटना अपनी लाइफ में. ये आपको लगता है कि अगर एक्सेल 100 फॉर्मूलेज बताता है तो आपको 100 के 100 फॉर्मूले याद हो जाएंगे, कभी नहीं याद होंगे. It's just you start reading the formulas, you will able to input what is required over there. तो अभी मेरा यहाँ logical test क्या है कि जो E column में data आ रहा है हर cell में वो मेरा 5,000 से बड़ा है या 5,000 से छोटा है. So I am saying this, if this is greater than, अब यहाँ पे आपको अपनी condition देना बहुत sure होना पड़ेगा कि आप क्या बात कर रहे हो. आपकी condition 5,000 से बड़ा है या 5,000 एंड मोर देन 5,000, दिस मैटर्स अ लॉट. सो आई एम सेइंग 5,000 और इक्वल टू 5,000, दिस इज माय कंडीशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर इज दैट जब भी आप कोई भी कंडीशन लिखते हो या किसी भी फॉर्मूले में कोई भी इनपुट डालते हो, अगर आप नंबर्स डाल रहे हो तो नंबर्स तो सीधा डालोगे, आप कुछ नहीं लिखोगे. बट अगर आप कोई भी टेक्स्ट इनपुट डाल रहे हो तो वो हमेशा डबल कोट्स में आएगा. अगर आप डबल कोट्स मेंशन नहीं करोगे तो एक्सेल को कभी समझ नहीं आएगा कि आपका वो इनपुट टेक्स्ट है. यू हैव टू डिफाइन इट एंड द वे ऑफ डिफाइनिंग इज डबल कोट्स. गेटिंग माय पॉइंट? सो आई एम डन विद माय फर्स्ट कंडीशन. आई एम जस्ट वेरी सिंपल
फॉर्मूला इज दिस नथिंग दैट डिफिकल्ट कि 5000 से ऊपर है तो ये मेरे वाओ है, 5000 से नीचे है तो डम है. सो आई एम गोइंग फॉर दैट मोर देन 5000 फर्स्ट टेस्ट. Now it is asking me, give me what do you want the output if the value is true. Now my output is, let's keep it wow. Okay, this is wow. So this is a text. This is not a kind of number. So what I'll mention, double quotes, caps में लिख रही हूँ कि ये मेरा wow है. Value if true, ये मेरा पहला input था, खत्म हो गया, तो I have closed the double quotes. Now I'm saying, Tell me, what do you want to say if the value is false? कि मतलब अगर मेरा charges less than 5000 है तो मुझे क्या करना है? I'm again opening the double quotes and let's say, what should I write? I want to say it is dumb. And I'm closing. And as I enter, it's giving me an input, dumb. I'm taking this down. I'm again playing with my control keys. इधर आई. एक लॉजिक समझना प्लीज. आई वुड लाइक यू पीपल टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक कि मैं जे कॉलम से ई कॉलम पे क्यों आती हूँ नीचे जाने के लिए. मैं जे कॉलम से नीचे क्यों नहीं चली जाती हूँ? क्योंकि मैं अगर जे कॉलम से नीचे जाऊंगी वहां तो डेटा का कोई ब्रेकेज ही नहीं है ना. वो मुझे सीधा 10 लाख रुपए ले जाएगा. मुझे वो नहीं करना, मुझे उसके पास वाले कॉलम में जहां तक डेटा है वहां तक जाना है. तो मैं यहां तक गई, यहां आई. अब मैं कंट्रोल शिफ्ट अब प्रेस करूंगी एंड आई एम डूइंग कंट्रोल डी. It is showing me, इसको हम चेक करेंगे. अगर हम यहाँ इसकी हेडिंग दे देते हैं dumb, wow, I'm doing alt 80, I'm doing alt 80, again applying the filters and I want to see wow वाला. तो ये सारे वो हैं जो 5000 या 5000 से ऊपर है. देखो ये 5000 है तो इस पे भी wow लिख के आया है. ठीक है, अब इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करें. इसको कॉम्प्लेक्स करने से पहले हम इसी में एक चीज और ऐड करते हैं. अभी हमने यहाँ ना मैनुअल इनपुट दिया है 5000. ठीक है, अब अगर मुझे मैनुअल इनपुट नहीं देना, मुझे यहां मैंने कुछ फिगर लिखी हुई है 5000 वो देनी है, तो मैं कैसे करूंगी? ये फॉर्मूला किसी भी चीज को एडिट करना है अगर एक्सेल में, शॉर्टकट आप सीधा जाके टाइप करना शुरू कर दोगे, जो आपने लिखा हुआ है वो सारा का सारा डिलीट कर देगा. बट मुझे यहाँ पे एडिट करना है तो मैंने F2 प्रेस किया. F2 प्रेस करते आई कम इनटू द एडिट जोन. अब यहाँ 5000 मुझे लिखना नहीं है, मुझे ये लिंक करना है. जब भी मैं एक्सेल में कुछ भी लिंक करती हूँ कि बाय डिफॉल्ट सिर्फ ये लेता है K1 व्हाटएवर इज माय सेल रेंज. नाउ आई विल टेल यू व्हाट डिफरेंस इट्स गोइंग टू मेक. ऑल्ट एसी किया पहले, आई डिड दिस मिस्टेक, ये मेरे फिल्टर्स लगे हुए थे, मैंने फिल्टर्स हटाए. यहाँ गई, यहां जाके F2 किया and I'm pressing this and enter. It is showing me K1. उसने यहां से लिंक किया. अब मैं यहां सिंगल पे कंट्रोल डी करती हूँ ना. अब आप ये देखोगे मैंने जैसे ही F2 प्रेस किया ये तो 5000 से नीचे चला गया. इसने तो मेरा कंडीशन ही खराब कर दिया, इट्स नॉट वर्किंग. क्यों किया इसने? दिस इज द रिलेटिव रेफरेंस. इफ यू विल अंडरस्टैंड एक्सेल में रिलेटिव एंड डायनेमिक एंड स्टैटिक ये आपका चलता है. जब मैंने सिर्फ K1 मेंशन किया, यहां मैंने अपने ओरिजिनल कमांड में क्या मेंशन किया था? K1. तो K1 में क्या होता है कि उस पर मैंने कोई डॉलर सिग्नेचर नहीं लगाए, राइट? तो जब मैं उसको मूव करूंगी तो वो K1 भी मूव होता चला जाएगा, K1, K2, K3, क्योंकि डाउनवर्ड मूव हो रहा है. जे कॉलम में मैं इस कमांड को कहां कॉपी कर रही हूँ? डाउनवर्ड. तो सारा फॉर्मूला भी डाउनवर्ड मूव हो रहा है. तो मुझे क्या करना है? इस K1 को फिक्स करना है. फिक्स करने का तरीका, मैं इस पर्टिकुलर सेल्स पे गई. आप जब F4 दबाओगे, F4 आप जितनी बार दबाओगे उतनी बार डॉलर्स को चेंज करता है. अभी डॉलर्स आपको समझने बहुत जरूरी. इन डॉलर्स का क्या मतलब होता है? पहली बार जब मैंने F4 दबाया, डॉलर्स आए K के आगे भी, 1 के आगे भी. मतलब मैंने एक्सेल को कमांड दिया, वट एवर मे बी द सिनेरियो, माय सेल विल ऑलवेज हैव कॉलम नंबर K एंड सेल नंबर 1, रो नंबर 1. आप K और 1 को चेंज नहीं कर सकते हो. मैंने उसको कमांड दे दिया तो मैं चाहे अब लेफ्ट मूव करूं, चाहे राइट मूव करूं, चाहे डाउन या अप, K1 पे जो कमांड है वो K1 पे ही लगी रहेगी.
मैं एक बार और F4 प्रेस करती हूँ तो इसने K के आगे से डॉलर हटा दिए बट 1 के आगे डॉलर लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैंने एक्सेल को कमांड दिया कि आपका 1 फिक्स रहेगा बट K अब आपका रिलेटिव है, इट कैन मूव। तो K क्या मूव करता है, या तो राइट या लेफ्ट, K का L हो जाएगा, MN हो जाएगा या JED हो जाएगा। तो अगर मैं डाउनवर्ड मूव करूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर मैं राइट या लेफ्ट मूव कर रही हूँ तो वो अल्फाबेट मेरा कॉलम नंबर चेंज होगा। एंड सिमिलरली फाइल से है कि K को फिक्स रखो, 1 को मूव करो तो डाउनवर्ड जाऊंगी तो इट विल चेंज। एंड द लास्ट वन, इफ आई प्रेस F4 फोर्थ टाइम, सो इट सेज इट्स अ फ्री जोन, फ्री बर्ड, आप जहां मर्जी मूव करो इट विल चेंज। तो मैंने यहाँ लगाया दोनों तरफ डॉलर्स एंड एंटर, और अब मैं कंट्रोल डी करूंगी तो अब उसका आंसर करेक्ट रहेगा, क्योंकि वो अभी भी कहाँ लिंक्ड है, 5000 पे ही लिंक्ड है, क्योंकि मैंने K1 को अब फिक्स कर दिया है। अब अगर मैं चाहूँ इस कमांड को मैं यहाँ से अब कंट्रोल डी करती हूँ, सो अब ये मेरा फिक्स्ड है। आप देखोगे यहाँ फॉर्मूला बार में देखो, इवन इफ आई एम मूविंग डाउनवर्ड्स दिस इज चेंजिंग बट K1 इज ऑलवेज फिक्स्ड। ये समझ में आया, मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर गोइंग थ्रू इफ्स, पहले इफ्स का बेसिक वर्जन समझना बहुत जरूरी है, फिर तभी आप इसके नेस्टेड वर्जन्स में जा पाओगे, क्योंकि नेस्टेड वर्जन्स जो है इसको कॉम्प्लेक्स पे कॉम्प्लेक्स करती चली जाएगी, राइट। चलो इसमें अब हम क्या करते हैं, हम अभी हमने 2 डिविजन किए, इसको हम 3 डिविजन में कन्वर्ट करते हैं। अगर I'll get a charges up to 3000, it's a bronze. If I'll get charges between 3 to 7000, it's a silver. And if I get charges above 7000, it's a gold. Okay, we're doing like this. So I'm applying again if ka command. I'm selecting this. My first condition, I'll prefer if you people draw it on a paper, you will understand. अब मेरी 2 कंडीशन है, एक कंडीशन है 7000 से ऊपर, एक कंडीशन है 3000 से 7000 के बीच में, और एक कंडीशन है 3000 से नीचे। जब हमारे 3 permutations combinations है तो उन्हें लगाने के लिए हमें 2 रूल अपनाने हैं। एक रूल मैं लगाऊंगी 7000 से ऊपर, एक रूल लगाऊंगी 7000-3000 के बीच में, और तीसरा जो है वो बाय डिफॉल्ट उसमें आ जाता है कि भाई लेफ्ट ओवर, वो लेफ्ट ओवर है तो उसके लिए मुझे अलग से रूल लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप ये समझो कि जितने आपके रूल्स होते हैं, जितने आपके कंसिडरेशन है वहां पे, आपको उसका -1 इफ लगाने पड़ते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ जनरल रूल, बट आई वोंट से इट अप्लाइज लाइक अ बाइबल एवरीवेयर, बट दिस इज अ जनरल रूल कि जितने आपके पार्टीशन है, जितने आपके रूल्स है, -1 हम इफ्स लगाते हैं। ओके, तो अब जैसे मेरा यहां पे रूल था, जैसे हमने डिफाइन किया, हम कह रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 7000, तो मुझे क्या चाहिए, गोल्ड। जैसे मैंने कॉमा के, बाय डिफॉल्ट मुझे ले गया कि टेल मी व्हाट इफ वैल्यू इज फॉल्स। सो वैल्यू फॉल्स में क्या होगी मेरी, 7000 से नीचे, बट 7000 से नीचे अगेन आई हैव 2 कैटेगरीज, राइट। तो मुझे एक और इफ देना पड़ेगा। नाउ आई एम एंटरिंग इनटू द जोन ऑफ अ सेकंड लेवल ऑफ इफ। सेकंड लेवल ऑफ इफ में सीधा टाइप करूंगी आई। आपने सिर्फ आई टाइप किया, सिस्टम को यह समझ में आया कि जो आपने टेक्स्ट टाइप किया वो डबल कोट्स में नहीं डाला। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जब भी आप कोई टेक्स्ट डालोगे, इट हैज टू बी इन डबल कोट्स टू मेक इट इजियर फॉर द सिस्टम टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन इनपुट वैल्यू, ये आपका फॉर्मूला नहीं है। मैंने इफ डाला, अगेन आई टोल्ड यू फॉर्मूला जब आपको सिलेक्ट करना है आप टैब दबाएंगे। माय सेकंड लॉजिकल टेस्ट इज अगेन द सेम E2, अगर आप 7000 के बाद रेसिडुअल वैल्यू आ गई मेरी कि 7000 से नीचे वाली वैल्यूज है, इस वाले एरिया में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, वो सब जो मेरी 7000 से नीचे है। तो मैं इसको अगेन कह रही हूँ, अगेन रन अ लॉजिकल टेस्ट कि क्या अब मेरी वैल्यू 3000 से बड़ी है। 7000 से बड़ी वाली तो पहले फिल्टर में हट गई, गोल्ड मेंशन कर दिया उसने। अब अगर 3000 से बड़ी है तो प्लीज मेंशन सिल्वर, और अगर वो 3000 से भी ऊपर नहीं है तो आपको क्या लिखना है,
bronze again is in double quotes. ध्यान रखना, जैसे ही मैं जब यहां थी, ये मेरा दूसरा इफ चल रहा है. अगर आप नोटिस करोगे तो प्लीज गौर से देखना, सेकेंड इफ का ब्रैकेट है पिंक कलर का, फर्स्ट इफ का ब्रैकेट है ब्लैक कलर का. तो जैसे ही मैं एक इफ बंद करती हूँ, रेड वाला बंद हुआ, ऑटोमेटिकली ये ले गया मुझे इस वाले इफ पे कि भाई अपने आपने वैल्यू फॉल्स डिक्लेयर कर दिया, तो यू नीड टू कंट्रोल वन मोर ब्रैकेट. एक्सेल स्टिल आई वुड से इज वेरी इंटेलिजेंट. आप अगर कभी ब्रैकेट्स क्लोज करने में कोई गलती करते हो, आपने जितने ब्रैकेट्स खोले अपने ब्रैकेट क्लोज नहीं करे, तो वो आपको एरर मैसेज डिस्प्ले कर देता है. फिर भी कभी कभी हो सकता है कि आपका फॉर्मूला वर्क ना करे, तो मेक श्योर आपने जितने ब्रैकेट्स ओपन किए हैं आप उतने ही ब्रैकेट्स क्लोज कर रहे हो. एंड सिंस इट इज लेस देन 3000, इट इज गिवन मी द वैल्यू ब्रॉन्ज एंड आई एम गोइंग डाउन एंड डूइंग द कॉपी पेस्टिंग कंट्रोल डी. I've got my values. If it is 9900, this is gold. This is 5900. This is silver. Getting it? कि यहाँ मेरा two level of nesting है. Nesting के level को ना आप sir जितना मर्जी चाहो, जितना मर्जी आप उतना उसकी nesting के level को बढ़ाते जा सकते हो. The world out of it. इसका एक level और nesting करते हैं. फिर मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगी कि कैसे इफ को हम कॉम्प्लिकेशंस में लेके जाते हैं. पहले इसी का एक लेवल और करते हैं, बिकॉज टू लेवल ऑफ नेस्टिंग इज नथिंग, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग. इसी का एक लेवल और करते हैं, फिर एक हम इनकम टैक्स के हिसाब से करेंगे. अब मुझे यहाँ पे जो मेरी अभी थी, हाँ तीन कंडीशन थी, ब्रॉन्ज गोल्ड एंड सिल्वर. अब मुझे ये बात करनी है कि भाई मेरी चार कंडीशन है, ढाई ढाई हजार के लेवल पे आई हैव मेकिंग द पार्टीशन. तो अगर मुझे ढाई ढाई हजार के लेवल्स पे करनी है, और मैं इसको सिंपल कोट करूंगी, इफ अगेन आई एम रनिंग माय लॉजिकल टेस्ट, आई एम डूइंग दिस, आई बिलीव यू पीपल कैन डू दिस साइड बाय साइड टू मेक योर हैंड्स वर्क ऑन दिस. इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7500, देन व्हाट इनपुट आई रिक्वायर, लेट्स मेक इट फर्स्ट. पहला इफ खत्म, उसका फॉल्स वैल्यू बाकी है, आई एम ओपनिंग द नेक्स्ट इफ. मेरी यहाँ चार कंडीशन है, तो मेरे कितने इफ लगेंगे, 4 - 1 दैट इज 3, 3 लॉजिकल टेस्ट, मतलब 3 इफ्स लगेंगे. नाउ आई एम अगेन सेइंग प्लीज चेक इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, देन प्लीज टेल इट इट इज सेकेंड. एंड अगेन आई एम अप्लाइंग एन इफ, इफ दिस इज greater than or equal to 2500, then give it third, and otherwise it is fourth. Wait. Oh shit, sorry. Somehow missed it, yeah. So if it is fourth, then bracket close, pehla close, blue khatam, second close, red khatam, teesra close, black khatam. Enter. There I went. Here I applied the formula. I don't know what I have done. Just take me a minute to apply it again. This is greater than or equal to 7500. Then give me first comma again. If this is greater than equal to 5000, it is second. Comma, if this is greater than equal to 2500, third, otherwise it's four bracket close close close. Okay, what disaster I'm doing, I just get it. Control shift up and control D.
getting it? So through ifs, we are able to do all the segregations and bifurcations easily, right? Okay. अब इसमें आपने ifs को बहुत बारी use किया होगा जब हम बात करते हैं taxable income की और हमें क्या taxes देने हैं उसके ऊपर, क्या slab rate लगेगा, we can use that. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं, हम टैक्सेबल इनकम का यहाँ एक स्लैब बनाते हैं. ये आप अपनी एक्सेल शीट में सिंपली ये फॉर्मूला आप इंसर्ट कर सकते हो. मैं यहाँ रैंड बिटवीन का फॉर्मूला ले रही हूँ और आई एम टेकिंग वेरी वाइडर रेंज. आई एम टेकिंग अ वाइडर रेंज ऑफ 50 लाख स्टार्टिंग करते हैं हम 5 लाख वाले से. या हम 3.5 लाख से स्टार्ट करते हैं, हमें वो भी मिल जाए. 3.5 लाख से लेकर 50 लाख वालों तक की इनकम, ठीक है. हमने यहाँ इसको रैंड बिटवीन किया. हम इसकी सीधा इफ के फॉर्मूले से निकालेंगे, साथ में सिर्फ मैं एक सिंगल फॉर्मूला लगाऊंगी कि मुझे इसका टैक्स कंप्यूट करके वो मुझे बता दे. मल्टीपल ऑप्शन लेंगे यहाँ पे, बट इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं बिकॉज ये बहुत ही अजीब सी फिगर लग रही है. राउंड फिगर्स लेते हैं तो रैंड बिटवीन के साथ ही मैं आपको एक और फॉर्मूला बता रही हूँ राउंड का. जो हमें राउंड का फॉर्मूला पता है, जो हमने बचपन से मैथ्स में किया है, हम क्या करते हैं डेसिमल प्लेस के आसपास गोल घूमते हैं कि अगर डेसिमल्स हैं तो अगर मोर देन 5 5 या मोर देन 5 है तो वो अपवर्ड साइड राउंडिंग करता है और लेस देन 5 है तो वो डाउनवर्ड साइड राउंडिंग करता है. एक्सेल फॉलोज द सेम, बट एक्सेल जो फॉलो करता है जब आप राउंडिंग की बात जो डेसिमल वाली करते हैं वो तब करता है जो मैंने उसे नंबर दिया कॉमा जीरो दिया. जो राउंडिंग नंबर डिजिट्स है मैं यहाँ पे डिफाइन करती हूँ मुझे कहां तक राउंडिंग चाहिए. जब मैं बोलती हूँ जीरो तो वो डेसिमल प्लेस को काउंट करता है. जब मैं बोलती हूँ -1 आप नंबर लाइन को इमेजिन करो. नंबर लाइन में क्या होता है, आप जैसे जैसे लेफ्ट मूव करते हो नंबर्स नेगेटिव होते हैं, 0, -1, -2, -3. और जब मैं नंबर लाइन के राइट साइड में मूव करूंगी तो मेरे नंबर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4. अब मुझे ये राउंड फिगर्स चाहिए, मतलब ये लास्ट के 2 डिजिट्स मुझे 0 चाहिए. तो मुझे कहां की राउंडिंग चाहिए, -2. गेटिंग माय पॉइंट, -2 पे मुझे राउंडिंग चाहिए इसकी कि लास्ट के नंबर्स मेरे हमेशा 00 आए, मुझे इतने ज्यादा नंबर्स नहीं चाहिए. अब मैं अगर इसे ही यहाँ पे कंट्रोल डी करती हूं सो इट विल गिव मी नंबर्स दैट आर having last 2 digits are 0. This is the round function in Excel. So if I define -1, तो वो tens को 0 करता है, -2 तो 100 0, -3 तो 1000 0, depending upon आपको कहाँ तक की rounding चाहिए. क्योंकि ये बहुत common है हमारे लिए, हमें last के 2-3 digits ऐसे numbers में आते हैं तो issue होता है function करने में. So I got this taxable income. मैं इसको pay special से fix कर रही हूँ. Control C, Alt S V, Enter. I have fixed it up. ऑल्सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और ऐड कर देते हैं यहाँ पे 370,000 का एक और यहाँ पे पोर्शन. अब यहाँ मैंने लिखा इनकम टैक्स. अभी हम विदाउट सरचार्ज की बात करेंगे. अब जो मेरे स्लैब्स होते हैं, हम स्लैब्स को समझने की कोशिश करते हैं. इफ माय इनकम इज लेस देन 5 लाख, 0 टैक्स, सॉरी, zero tax. If my income is between range of 5 to 10, sorry, it's just taking into this. क्योंकि मैंने वहां डेट लिखी थी, वो डेट के फॉर्मेट में ले गया. मुझे जाके उसे डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई मुझे नंबर के फॉर्मेट में चाहिए. और जो मैंने वहां लिखा वो डैश करके लिखा तो अगेन इट टुक इनटू अ डेट फॉर्मेट. नाउ दीज आर समथिंग एक्सेल थिंग्स. मैंने एग्जैक्टली लिखा क्या था, 05 से 010, दिस इज अ डेट फॉर्मेट. वो उसको डेट में ही लेके जाएगा. अगर मुझे उसे डिफाइन कराना है कि नहीं जो मैंने लिखा है वही तुझे लिखना है तो आपको उसे बताना पड़ता है. इट्स टेक्स्ट. टेक्स्ट डालने के लिए आप एक इन्वर्टेड कॉमा लगाएं एंड देन यू राइट, तो वो उसको टेक्स्ट में लेके जाएगा. ये आपको बहुत बार यूज करना पड़ता है. लेट्स सपोज आपको बैंक अकाउंट नंबर्स लिखने हैं, आगे जीरो आता है तो उसको डिफाइन करने के लिए कि भाई जीरो लिखना है
टेक्स्ट फॉर्मेट में जाना है तो आपको आगे इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा. ओके ठीक है. उसके अलावा अब यहाँ पे जो मुझे यहाँ डिफाइन करना है वो ये है कि अगर 5 से 10 लाख के बीच में है तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 20%. ठीक है, 10 से ऊपर है तो है 30%. अब ये जो हमने यहाँ लिमिट लिखा ये उन सैलरी के लिए लिखा जिसकी 5 लाख से नीचे है, बट अगर उसकी 5 लाख से ज्यादा है तो उसके लिए 10% का उसके लिए भी रेट लगाना है. तो हम इसको यहाँ पे डिफाइन करना शुरू करते हैं. मेरी पहली कंडीशन है कि इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 5 लाख, सो व्हाट शुड बी माय आउटपुट, इट शुड बी 0. ठीक है, नंबर है इसलिए डबल कोट्स में मैंने नहीं मेंशन किया. व्हाट इफ इट इज नॉट लेस देन 5 लाख, तो मैं इसको ये बोलूंगी कि प्लीज जज क्या मेरा ये अमाउंट इज लेस देन 10 लाख, लेस देन और इक्वल टू 10 लाख. इफ येस देन प्लीज व्हाट विल बी माय टैक्स अमाउंट, माय टैक्स अमाउंट विल बी, यू प्लीज डिफाइन व्हाट विल बी माय टैक्स अमाउंट, माय टैक्स अमाउंट विल बी this figure minus 10 lakh into 20%, I hope I'm making myself clear, plus ऊपर का जो मेरा वहां पे बैठता है 12,500, ये मेरा बेसिक टैक्स है जो वहां पे उनको देना है, राइट कॉमा. और अगर ये नहीं है वो 10 लाख से ऊपर है तो सीधा मेरा 30% के स्लैब में चला जाएगा, तो मैं उसको बोल रही हूं दिस माइनस 10 लाख इंटू 30% प्लस 112,500. ठीक है, एक ब्रैकेट कम दूसरा ब्रैकेट क्लोज. And enter. Now it is saying me I have done some mistake, and it is defining me that there is some correction required to be made, and I am making that correction. So what exactly I have done in terms of mistake? Brackets mein sab issue, and I did that. So I'll go here, and accordingly I did control D. So single formula using my nested ifs. And I am able to get that thing. I hope this is clear. Okay. तो ये आप nested ifs के basis पे आपको यहाँ multiple conditions लगानी है, commands लगानी है, and you will be able to get what exactly do you want. सर जी यहाँ पे किसी को नेस्टेड इफ्स पे आई वुड एक्चुअली लाइक टू आस्क, आप जब नेस्टेड इफ्स साथ में कर रहे हो एनी वन हैविंग एनी इश्यूज वेल अप्लाइंग नेस्टेड इफ्स? एनी वन हैविंग एनी क्वेरी रिगार्डिंग नेस्टेड इफ थिंग्स? आई वॉन्ट यू पीपल टू अप्लाई इट एट योर ओन एंड. Good. My audience are quite technically expert. They are able to do that. That's very nice. इसी के साथ मैं आपको फिर एक और फाइल दिखाती हूँ. I'll show you how the slicer things are happening. अब ये एक बहुत बेसिक डेटा है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. बहुत ही बेसिक डेटा, जो डेटा अभी हमने किया उसी डेटा पे ही हम वर्क कर रहे हैं. डेट ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज चार्जेस, यहां मैंने इस डेटा को बहुत छोटा कर दिया है. अब इस डेटा के बेसिस पे आपसे आपका मैनेजमेंट इतनी तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है. फॉर एग्जांपल, मेरी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा रेम्यूनरेटिव सर्विस क्या है, मेरा कौन सा एम्प्लॉय हाइएस्ट अर्निंग एम्प्लॉय है,
कब मैंने मैक्सिमम इनकम लिया, कब मेरा डल टाइम है, अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई एम जस्ट शोइंग यू दिस इज हाउ वी गेट इट डन. आई बिलीव एवरीवन इज रीडिंग अबाउट स्लाइसर्स, हाउ दे हैपन, हाउ दे डोंट हैपन. ये स्लाइसर तक पहुंचने के लिए ना, ये स्लाइसर लगाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था कि स्लाइसर कैसा लगा, बट स्लाइसर तक पहुंचने के लिए आपको अपने डेटा में थोड़ा काम करना पड़ा. आई बिलीव हार्डली एक घंटे का काम है अगर आप अपने डेटा पे करते हो तो. इस डेटा के बेसिस पे यू कैन इजीली रीच टू दिस स्लाइसर थिंग्स. स्लाइसर आपकी लाइफ कैसे ईजी करता है, ये मेरा पूरा डेटा है, एम्प्लॉय के बेसिस पे डेटा, क्वार्टर्स के बेसिस पे डेटा, सर्विस वाइज डेटा. अब मुझे सिर्फ ए एम्प्लॉय का देखना है तो मैं ए एम्प्लॉय का देखूंगी, मुझे ए एम्प्लॉय का डेटा दिखाएगा. मुझे बी एम्प्लॉय का देखना है तो मैं बी का देखूंगी कि बी ने क्या क्या काम किया, कब कब किया, डी ने क्या क्या किया. आई कैन सिलेक्ट मल्टीपल एज वेल, बी एंड डी बोथ देखना है मुझे, सी का भी देखना है. ओके, फिल्टर्स हटा दो. सो इट हैज मेड अवेलेबल द इंटायर रिपोर्ट टू यू इन फ्यू क्लिक्स. बट यहां तक पहुंचने के लिए हमें इस बीच वाली शीट से होके गुजरना पड़ा. इस बीच वाली शीट को जब तक मैं नहीं बनाऊंगी, मैं इन क्वेश्चंस का आंसर अपने मैनेजमेंट को नहीं दे सकती. बेसिकली मेरा यहाँ मैनेजमेंट अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में इंटरेस्टेड है. ईयर वाइज बताओ मुझे, क्वार्टरली वाइज बताओ किस क्वार्टर में हमने क्या किया. यहां जो मुझे सारी जद्दोजहद करनी पड़ी इस डेटा को, वो ये थी कि मुझे इस डेटा से यहाँ वर्क करके इसको मंथली डेटा, क्वार्टरली डेटा, फिर मुझे फाइनेंशियल ईयर डेटा. एक हमारे सिस्टम में ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा जो डेटा होता है दैट इज फाइनेंशियल ईयर जो फॉलो होता है दैट इज फ्रॉम 1st April टिल 31st March, बट एक्सेल जो ईयर्स को कंसिडर करता है दैट इज अ कैलेंडर ईयर. सो वी हैव टू चेंज इट अकॉर्डिंगली. यहां इस शीट में अगर आप देखोगे, हम दोबारा भी लगा सकते हैं, हमने टुडे का फॉर्मूला किया. सिमिलरली देयर इज अ फॉर्मूला मंथ. मुझे अगर किसी भी डेट में से क्या निकालना है, वो कौन सा मंथ था, तो सीधा मंथ लिखा एंड माय ब्रैकेट क्लोज एंड आई एम गेटिंग द मंथ. सो दीज आर माई मंथ्स, दीज एग्जैक्टली कि कौन से महीने में डेटा है कौन से नहीं. अब अगर आप यहाँ आके एक बार इस फॉर्मूले को एनालाइज करोगे, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला दिखा रही हूँ, हम दोबारा इस फॉर्मूले को लगाएंगे. यहाँ मैंने अगेन अपना नेस्टेड इफ्स को लगाया और नेस्टेड इफ्स को लगा के जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मंथ्स आई गॉट इट डिफाइंड विच एग्जैक्टली द क्वार्टर इज. यू आर अवेयर हमारा जो मंथ है, फोर्थ मंथ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स इज माई क्वार्टर वन, सेवेंथ एट नाइन्थ इज क्वार्टर टू, टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ इज क्वार्टर थ्री. तो यहां जो मुझे नंबर्स लेने पड़े थोड़े उल्टे लेने पड़े. मैं यहां कैसे फॉर्मूला लगाऊंगी, दैट इफ माय मंथ इज मैक्सिमम नंबर्स क्या है 10, 11, 12, तो मैं मैक्सिमम कंडीशन से स्टार्ट कर रही हूं. इफ माय नंबर इज ग्रेटर देन 9, 9 से बड़े कौन से नंबर आएंगे 10, 11, 12, तो विच क्वार्टर इज दिस, दिस इज Q3. Okay. Now my number is not greater than 9, it is less than 9. So again I am giving another condition. एक और बार आप fault लो और please check करो कि क्या मेरा ये number अब greater than 6 है. 6 है तो मतलब 7, 8, 9. 9 से ऊपर वाले तो पहली condition में चले गए, but अब जब next condition दे रही हूँ कि 7, 8, 9. अगर वो 7, 8, 9 में है तो please name them what as quarter 2. Again, I'm giving one more jump. Okay, please check if my this number is greater than 3. So please mention it as quarter 1. And lastly, agar mera number 3 se chota hai, to that is my quarter 4. Kyunki jo first, second, third month hai, wo quarter 4 mein fall hote hai. And I did that. Ek bracket close. By default, usse le gaya. Sare brackets usne by default yahan pe close kar diye. And I got my quarters. So these are my quarter year. Quarter mil gaya. Ab uske baad I went on for
what exactly is my financial year into that? Year का formula लगाएंगे हम यहाँ पे. Year का formula सीधा date select किया and I got my years. Why I mentioned this column as calendar year? क्योंकि अभी मेरे पास ये जो direct input आया है वो calendar year का आया है. मेरे पास financial year का input यहाँ पे नहीं आया है. Getting? अब अगर आपको ये वाली कमांड पे जाना है तो हमें एक और कमांड यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी. वो है concatenate. Concatenate is one of the most beautiful command I have ever gone through in Excel. What concatenate helps you is that आप किन्हीं भी चीजों को जोड़ के एक पर्टिकुलर सेल में ला सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एन एग्जाम्पल. जो MNCs होती हैं, जितनी भी MNCs कंपनीज होती हैं, अगर आप यहाँ जब भी जाते हो, जो आपके मेल IDs होते हैं वो जनरली ऐसे, जैसे मेरे को अपना मेल ID जनरेट करना है तो वो मेरा कैसे करेंगे, deepika.agrawal@abccompany.com. सारे एम्प्लॉयज का फर्स्ट नेम डॉट सेकेंड नेम @abc.com. वो मेरे पासवर्ड्स भी अगर जनरेट करके दे रहे हैं तो deepika.agrawal.abc. वी कैन डू इट लाइक दैट. उनके प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स होते हैं तो हर किसी का जाके मैं बनाऊंगी नहीं. मैंने concatenate की एक सिंपल कमांड दी कि प्लीज ज्वाइन दीज टू थिंग्स. इसका अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे अभी मुझे यहाँ ही concatenate करना है या टैब दबाया, मुझे इन दोनों को जोड़ना है. सिर्फ सिलेक्ट किया एंड सी इट ज्वाइन एंड गेव मी द रिजल्ट कंसल्टेंसी ROC. तो उन पर्टिकुलर दोनों सेल्स में जो भी डेटा था उसने मुझे वो जोड़ के दे दिया. ऐसे आप कुछ भी जोड़ सकते हो. लाइक आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस डेट एंड दिस, आई कैन डू दैट. बट सिस्टम अगेन, ये जो डेट है दिस इज अ नंबर, इट विल कन्वर्ट दिस इनटू अ नंबर एंड देन ज्वाइन इट विद द टेक्स्ट. डेट इज जस्ट अ फॉर्मेट. द बेसिक्स आर व्हाट, माय नंबर्स एंड माय टेक्स्ट. सो दिस इज कॉनकैटिनेट. कॉनकैटिनेट से आप कुछ भी जोड़ सकते हो. बट अगर मुझे अब इनके बीच में खुद से कुछ ऐड करना है, जैसे कंसल्टेंसी, इसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक अंडरस्कोर आए, मुझे अंडरस्कोर ऐड करना है, तो आई विल ऐड दिस डबल कोट्स, क्योंकि मैं कुछ खुद से इनपुट कर रही हूं, वो भी एक टेक्स्ट अंडरस्कोर एंड देन माय दिस सेकंड थिंग. आई एम क्लोजिंग, आई एम गेटिंग दिस कंसल्टेंसी डैश ROC. गेटिंग the way you can join things using concatenate. अब यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ. अब यहाँ आप फॉर्मूला अगर आप देखोगे ना, जो मैंने यहाँ पे लगाया है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला. इसके साथ मैंने और की कमांड भी यहाँ पे मिक्स की है. मैं आपको और की कमांड के भी बताती हूँ व्हाट और कमांड सेज. ये भी हमने एक बीच में बात भी की थी अगर आप लोग को याद हो. Whenever there is a command and, मतलब राम और श्याम, और है तो राम या श्याम, मतलब कोई भी एक चीज मेरी अप्रूव हो तो और कमांड लगा देना, और अगर दोनों कंडीशन मुझे अप्रूव करानी है तो मैं एंड कमांड लगाऊंगी. सो अगर मेरे पास कैलेंडर ईयर है 2020 और क्वार्टर है Q3, आप इसका लॉजिक समझो. मैंने इसको फाइनेंशियल ईयर में कैसे कन्वर्ट किया. एक सेल में फॉर्मूला लगाने में टाइम लगेगा, उसके बाद पूरे सेल्स में फॉर्मूला लग जाएगा. अगर मेरा क्वार्टर आता है Q1, Q2, and Q3 ऑफ अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, तो उसका कैलेंडर ईयर क्या होगा, दैट फाइनेंशियल ईयर प्लस 1. अगर मेरा क्वार्टर आता है 4, तो क्या मेरा फाइनेंशियल ईयर होगा, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर -1 प्लस दैट फाइनेंशियल ईयर. तो मेरे को अपना कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर मिलेगा. तो मैंने यहां इसको लगाना शुरू किया. इफ my this cell has a value equals to, I have to apply or command क्योंकि मुझे कोई भी एक logic को confirm कराना है. So if this is equal to Q1 को मैं यहाँ fix करूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ इसको outer side cell में एक range दे रही हूँ जिसको मुझे move नहीं कराना है. Second logic, if this is equal to Q2, again I'm doing it stable, fix कर रही हूं. If this is equal to Q3, इसको भी मैंने यहां पे
स्टेबल किया, क्योंकि Q4 में जाएगा तो मेरा अलग तरीके से होगा। अगर इसमें से कुछ भी होता है और कमांड का जो आंसर आता है वो ट्रू आता है, ट्रू या फॉल्स करके आंसर आता है, तो मेरा पहला लॉजिक ये है, अगर किसी का भी आंसर अगर ट्रू आता है तो आप मुझे क्या वैल्यू दोगे? मेरी वैल्यू आएगी कॉनकैटिनेट, क्योंकि मुझे जोड़ के कुछ बनाना है, दिस डेटा वैल्यू कॉमा डबल कोट्स, देन आई वांट अ डैश, देन आई एम अगेन क्लोजिंग द डबल कोट्स कॉमा, अगला इनपुट क्या होगा, दिस प्लस वन, क्योंकि इसमें मुझे एक ऐड करना है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ये मेरा क्या होगा, कॉनकैटिनेट करके क्या देना, 2020-2021 इफ माय वैल्यू इज ट्रू। बट व्हाट इफ माय ऑल द वैल्यूज आर फॉल्स, मतलब और में मैंने जो लॉजिकल टेस्ट दिए हैं अगर सारे के सारे फॉल्स हैं तो मुझे क्या करना है, अगेन आई एम गिविंग कॉनकैटिनेट। अब पहले मुझे माइनस वन करना है, तो व्हाट आई विल से, दिस माइनस वन कॉमा डैश एंड देन अगेन दिस पर्टिकुलर थिंग, ये कॉनकैटिनेट क्लोज किया, ये मैंने इफ क्लोज किया, सो इट इज गिविंग मी द फाइनेंशियल ईयर्स, कि ये कौन सा पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर आएगा। आई बिलीव यू गेट दिस थिंग, दिस इज थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अब इसके लिए ना हमें फॉर्मुलेस की डेप्थ में जाना पड़ेगा। ये बीच में मैंने दो फॉर्मूलाज उठाए, वेन वी गो अहेड विद द फॉर्मूला सेशंस, फॉर्मूला सेशंस आर समथिंग कि फॉर्मूलाज फॉर्मूलाज में वी टेक टू टू थ्री सेशंस, बिकॉज देयर आर हेल लॉट ऑफ फॉर्मूलाज एंड मेनी थिंग्स आर कनेक्टेड विद द फॉर्मूलाज। आप खाली एक फॉर्मूला के बेसिस पे कोई कॉम्प्लेक्स चीज पे नहीं जा सकते हो। अभी जब हम राउंड फॉर्मूला की भी बात कर रहे हैं, मैंने आपको राउंड बहुत बेसिक बता दिया कि व्हाट इज राउंड, राउंड में आपका राउंड अप है, राउंड डाउन है, देन व्हाट इज जीरो, व्हाट इज माइनस वन, व्हाट इज माइनस टू, उसके जो इनपुट्स है वो बहुत सारी चीजें हैं। कॉनकैटिनेट यू कैन डू वंडर्स, यू कैन प्ले विद दिस कमांड, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट एग्जैक्टली द कमांड ओवर हियर इज। सो दिस इज हाउ आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू पीपल अवेयर दैट अगर मुझे इस रिपोर्ट तक जाना है, अभी इस रिपोर्ट पे मैं आगे इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि इससे पहले मुझे अब इससे चार्ट्स की क्लास पे जाना पड़ेगा। नाउ चार्ट्स इज अगेन एन आर कंज्यूम करता है आपका, बट आई जस्ट वांटेड टू शो कि इतना सा डेटा था मेरा, सिर्फ इतना सा, और मेरे मैनेजमेंट को जब मुझे इतना बड़ा एक रिपोर्ट प्रेजेंट करना है, तो हार्डली अभी जब आप लोगों के साथ भी आए सिट अप, आई जस्ट डन 5 मिनट्स थिंग्स टू मेक इट क्लियर, टू मेक इट वर्केबल, एंड देन आई कैन रीच टू दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। अदरवाइज ये रिपोर्ट अगर मैं आपसे वैसे बोलूं कि एक्सेल की आपको ये कमांड्स को नहीं यूज करना, बेसिकली करना है, तो आप इस तरह के रिपोर्ट्स बनाने में आराम से 2 दिन लोगे, अलग अलग लेवल की, एम्प्लॉय वाइज, सर्विस वाइज, देन व्हाट इज योर डेट ऑफ रेंडरिंग, व्हाट इज योर क्वार्टर वाइज डेटा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अभी एक्चुअली आई वुड लाइक टू आस्क इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, दिस वाज समथिंग वेरी बेसिक दैट वी हैव गॉन, इवन इफ आई टॉक अबाउट फिल्टर्स, पिवट्स, सॉर्टिंग, द काइंड ऑफ थिंग्स वर लाइक कि हाँ ये बेसिक है, बट अगर ये नहीं आती तो आप एडवांस लेवल पे नहीं जा सकते। अगर आपको बिना माउस के कंप्यूटर पे खेलना नहीं आता तो कोई फायदा नहीं है एडवांस लेवल पे जाने का, क्योंकि फिर हम वही काम जो हम 1 मिनट में कर सकते हैं उसको करने में हम 5 मिनट लगाएंगे। तो बेसिक व्हाट माई रिक्वेस्ट वुड बी फ्रॉम ऑल यू पीपल इज दैट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर एक्सेल इन सच अ मैनर, जस्ट फॉरगेट देयर इज नो माउस इन योर सिस्टम। जिस दिन माउस नहीं होगा, खुद आपको एक रिक्वायरमेंट होगी कि यार अब तो मुझे शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मैं कैसे करूंगा अपना काम, एंड यू विल एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, राइट? तो सर कोई और आपकी तरफ से कोई क्वेरी? आई थिंक आज के लिए बहुत होगा फॉर द पीपल टू डाइजेस्ट। सही बात है।
आई थिंक दीपिका आपने जो सेशन लिया इट इज़ अ वेरी वंडरफुल एंड मुझे लगता है कि किसी भी मेंबर को कोई क्वेरी तो नहीं है क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ इसमें चैट बॉक्स में एक क्वेरी था मल्टीपल सेक्शन प्रिंट करने का वो नहीं हाँ वो हम लोग अभी मल्टीपल इसको चलाएंगे सेशन को क्वेरी था वो क्वेरी ये था बेसिकली दैट अगर आपको प्रिंट देना है तो आप मल्टीपल सिलेक्शंस का प्रिंट दे सकते हो क्या देयर इज नो सच थिंग आप सिलेक्शन करके जो आपको प्रिंट देना है वो दे सकते हो एक बारी में वो एक ही सिलेक्शन समझता है मल्टीपल सिलेक्शंस नहीं समझता वो ग्रीस सर आई थिंक वेयर इज द एक्सेल फाइल शेयर्ड इन ऑर्डर ओके नो No, not sure. Other query pending, I think. हाँ सर मैं दीपिका आपने जो सेशन लिया बहुत ही वंडरफुल रहा और मुझे लगता है सारे मेंबर्स को इसकी अच्छे से जानकारी हो गई है बेसिक लेवल की और जो मेंबर्स ने काफ़ी सारे मेंबर लगभग कंटिन्यूस 3 आवर्स तक जुड़े रहे हैं ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा गिरीश सर से कि फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स करें सर थैंक यू दीपिका एंड ऑल दोज हु हैव बीन देयर विद अस इट वाज रियली अ वेरी वंडरफुल सेशन दीपिका थैंक यू सर फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ मेंबर्स दिस प्रोग्राम दैट वी हैड ऑर्गेनाइज्ड दिस वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ एक्सेल लर्निंग वेयर वी हैड टेकन अप ओनली द बेसिक्स So the stress this time was basic accounting, basic Excel functions, and in future we are planning more such sessions, and we'll also seek advice from you all members if you can contribute what all thing you would like to learn out of this. We'll be happy to incorporate all those, and we are thankful to Deepika for sparing her very valuable time. It was really a very wonderful session. And thanks to our vice chairman CIRC Atul sir who has been there throughout the session it was really wonderful sir is always there to help us and thanks to my committee who is there my chairman Chaman Singh ji vice chairman Dilip Kumar secretary Mayank and the whole team which was there and of course last but not the least the participants Let me tell you everyone that this was the time when we had received the registrations more than expected and we had at the last time we last moment we had to change the platform so some of you must have faced some problems but yes thanks thank you everyone for this encouraging response and we assure you that we'll be bringing more such programs shortly thanks everyone and with the permission of chairman we can close the session Thanks everyone. Thank you, sir, Deepika. Thank you very much, sir. Thank you, Deepika. Thank you, Girish. Thank you, Atul, sir. Thank you, participants, all participants. Thank you. Thank you to all of you. Thanks, everyone. Thank you.